Okay. हाय बच्चों, आई एम लाइव। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है बच्चों आप सब लोगों का एक बार फिर से अमेजिंग सेशन में। दिन भर आप पूरी संकल्प टीम के साथ मेहनत कर रहे थे, हमने देखा सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का एक बच्चा है जो अपने करियर के लिए कितना कितना सजग है, वो मेहनत करना सीख गया है। हमारा एम यही होता है बच्चों कि हम आपको मेहनत करना सिखा दें, फिर तो ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। क्या सोच के आए हो और क्या लेके जाओगे, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो जो सोच के आए हो और जो लेके जाओगे, वो दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सोच के ऐसा आए होगे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा दो जो मेरा जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, यहां से गलतियां जो है वो हम कम कर दें या जीरो कर दें या गलती करे ही ना। यानी कि जो हमारे 15 या 17 क्वेश्चन आ सकते हैं, 16 या 17, 15 से 17 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इन्हीं में से आए, ये आपको उम्मीद होना चाहिए। यही आप सोच के आए हो। चलो आप देखो, सुनो गौर से, आज हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे आप जो सोच के आए हो ना कि इसी में से आएगा वो पूरा होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होने वाला है, ठीक है ना? पूरा एनसीईआरटी कवर होने वाला है। दूसरा चीज, हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां कवर होगा। तीसरा चीज, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को भी हमने एक एमसीक्यू का फॉर्मेट दे दिया है, तो बैक एक्सरसाइज भी कवर होगा, ठीक है? तो अब इस पे लिख सकते हैं, ये दिक्कत आ रही है, हाँ मिटक जा रहा है। चलो तो कैसे हो आप लोग? एक बार 2 मिनट बात कर ले, फिर स्टार्ट करें। तब तक ये कुछ है वो भी सही हो जाएगा। ओके, चलो भाई, लव यू सर जी, क्या बात है। यही तो जिंदा रहने का दवा है मेरा, मैं जिंदा हूं यही सब कमेंट्स देख के, आपका प्यार, आपका सपोर्ट देख के, ठीक है? कोई और बोले ना बोले, आप तो बोल ही देते हो यार, है ना? सही है। बहुत दिन बाद मैं रात में पढ़ा रहा हूं, तो मैं भटक जाऊं तो आप संभाल लेना, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि मैं पटना स्टूडियो से क्लासेस ले रहा हूँ, पटना बोरिंग रोड, पटना पे जो अपना सेंटर है, और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैमरे के पीछे से आप देखते हो, मोबाइल के स्क्रीन से आप हमें देखते हो, पहली बार आप वो फील है, सामने वाली जो फील है, टीचर वाली जो फील है, वो आ पा रही है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। एक बार यहाँ पे वो है, एक बार देख लेते हैं, कुछ एरर है, देख लेते हैं बस, वो भी ठीक हो जाएगा। कर रहे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। वेट, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। चलो मैं आपसे बातें करता हूँ यार, ये मौका बड़ा कम मिलता है ना आपसे बात करने का। तो क्या चल रहा है वैसे? सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी क्या है? देखो अभी खुश तो नहीं हो गया आप सब लोग, इसलिए कुछ अच्छा ही नहीं पूछ रहा हूं। परेशानी क्या है ये बताओ। बहुत सारा होगा कि सर नींद बहुत आ रही है, सर नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, सर आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना? सारी गलतियां जो हम लास्ट में किए होते करते हैं ना, सारी गलतियां जो लास्ट में करते हैं वो आज हमें याद आ रहा होता है, या अब इस समय पर याद आ रहा होता है ना? मन में ये भी थॉट आ रहा होगा कि यार इस साल मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन अगली साल देखो मैं फोड़ दूंगा, है ना? ये आता है ना मन में। खैर, ये सारी चीजें मन में आ रही होंगी, ये सब नेचर का टेस्ट है बच्चों, है ना? वो आप कहते हो कि 2 से 5:20 तक हमारा एग्जाम होता है, वो 2 से 5:20 को सही करने के लिए पूरा 1 साल लगता है। पूरे 1 साल में इतने अप्स एंड डाउन्स आएंगे कि वो जो एग्जाम डे का 2 से 5:20 का एग्जाम है वो सही हो जाएगा, ठीक है? आई होप वी आर नाउ रेडी टू गो। जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज का अमेजिंग सेशन। पूरी रात्रि पाठशाला आपके साथ करेंगे वाले, रेडी हो? हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? एक बार कमेंट में जल्दी लिख के बता देना, और सबकी कसम खाएंगे जितने भी लिख रहे हैं कमेंट में, सबकी कसम खा लेंगे आज, है ना। टाटा डोकोमो की कसम है, आप लोग आज मछली पानी में भी जाएगी, छपाक का आवाज भी आएगा, सब होगा, टेंशन ना लो। ऑर्गेनिक नहीं है, नहीं तो सारा आज मछली मार ही देते हम। खैर, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। वो हो गया नोट, मैं खोलू, रुको, ठीक है ना, वी आर रेडी टू गो। आई थिंक मोड ठीक है, चलिए अब वहां का देख लीजिए बस। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक सीधा सीधा 30 सेकंड लेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, आपको सिंपल क्वेश्चंस पढ़ना है, ऑप्शंस नहीं देखने, ऑप्शंस को ढके रहिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और खुद से आंसर बोलिए, और फिर देखो कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और इसमें से ना आंसर ढूंढोगे। एग्जामिनर चला के वो ए ऑप्शन में भी फंसा हुआ आंसर डालेगा, बी में भी ऐसा आंसर डालेगा जो लगेगा ये सही है, सी में भी ऐसा आंसर डालेगा जो लगेगा वही सही है, और डी में भी डालेगा वैसा ही, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। करना क्या है, बड़ी सिंपल चीज करनी है, आपको ऑप्शन ढक लेने हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर क्या है। अब सोचो कि वो ए में लिखा है, बी में लिखा है, सी में लिखा है, डी में लिखा है। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का खेला, मतलब कि आज का पढ़ाई। तो देवियों सज्जनों, पहला क्वेश्चन हर एनसीईआरटी लाइन को कवर करते हुए, पूरा पीवाईक्यू कवर करते हुए, इंटेक्स्ट कवर करते हुए और बैक एक्सरसाइज को कवर करते हुए मेहनत दिखेगी अभी आपको हमारी इस स्लाइड के अंदर। आ जाओ पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसमें करंट आ रहा है बस, पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में है। अब एक एक करके सारे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है 3.1 और 3.2 पैराग्राफ से। एनसीईआरटी अगर खोल के सामने रख लोगे तो मजा आ जाएगा, और चैट में कमेंट में रुकना नहीं चाहिए, आंसर्स पहले देने होंगे आपको, क्विक होना चाहिए, 30 सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए। 3.1 और 3.2 पैराग्राफ को हम लेके जा रहे हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है, डोबेरिनर ट्राइड से इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, अपना जो एग्जामिनर है वो यही देगा। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, पहले पढ़ लो, इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ लो, 30 सेकंड ले लो और फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं आपके साथ पहला पढ़ता हूं, मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एग्जैक्टली सेम इंग्लिश लिखा हुआ है जितना डिफिकल्ट यहां लिखा हुआ है, और हमने क्या पढ़ा होता है कि डोबेरिनर बोलता है पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालोगे तो मिडिल वाले के अप्रॉक्सीमेटली बराबर आना चाहिए। पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालोगे तो मिडिल वाले के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। और अब इंग्लिश देखो कि मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्रायड, उसका जो एटॉमिक वेट है वो हाफ वे है, हाफ वे का मतलब है डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज। तो आंसर ये तो करेक्ट लग रहा है, मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्रायड हैड एन एटॉमिक वेट इक्वल टू द सम। क्या सम इक्वल होता था, आधा होता था ना, एवरेज होता था ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही तो है। यही नहीं, अभी सी और डी भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन द अदर टू। भाई जो ट्रायड बनाया था, ट्रायड की जो प्रॉपर्टीज थी, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी, और जो मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पहले और तीसरे के बीच की प्रॉपर्टी है। मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले और तीसरे के बीच की प्रॉपर्टी है, वही लिखा हुआ है, ये सही स्टेटमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये केवल एनसीईआरटी मेंशन्ड है, नोट्स में नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन द अदर टू एलिमेंट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड वर्क्स ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट, बिल्कुल सही है। लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, याद है, लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा पड़ा था, केवल उन एलिमेंट्स पर वैलिड है इन योर सिलेबस। आगे बढ़ जाएं, एसीडी सही है तो आपके पास आ चुका है। अगला हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डोबेरिनर ट्रायड। इनऑर्गेनिक एक बहुत खूबसूरत चीज है एनटीए के पास कि वो इनकरेक्ट पूछता है, डज नॉट पूछता है, फॉल्स पूछता है, ताकि आपका क्वेश्चन में समय ज्यादा लगे। हमें याद है, वीटी सर के स्टूडेंट हो तो आपको याद है, लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा। कई लोग नए भी होंगे। लिथियम लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा। ये इन एलिमेंट्स पे ही डोबरेनर ट्रायड लगता है। ये 9 एलिमेंट्स है जिस पे डोबरेनर ट्रायड लगता है। इस पे देखो, ये लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, याद हो गया। अब देखो 30 सेकंड से भी कम में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नॉट ट्रू फिर से पूछा हुआ है क्वेश्चन में, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। जब भी क्वेश्चन में नॉट ट्रू है उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि दिमाग नॉट के बारे में इनकरेक्ट सोचना स्टार्ट कर दे। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। न्यूलैंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा था, एब्सोल्युटली करेक्ट है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा गया, तो पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हुई थी। पहला तो सही है। न्यूलैंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यही तो था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम थी। तीसरे में आ जाओ, Newlands relationship between elements was just like every 8th note that resembles the first in the octaves of the music. C भी सही है। Not true पूछो, क्या Newland law जिंक तक applicable था? Wrong. Newland law कहां तक applicable था? कैल्सियम तक। एनसीईआरटी की हर वो लाइन जहां से एक सवाल बनता है यहां पे मिलेगा। मैं बारीकियों में काम करता हूं, डेप्थ में जाता हूं, वरना तो इधर उधर करने अपन को आता नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनकरेक्ट यही है, कैल्सियम लिखा होता तो सही है, नॉट ट्रू यही है। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। चलो मेंडलीव है तो मॉडर्न भी डिस्कस करेंगे, एक ही सवाल से 2 तीर निकालेंगे। आ जाओ, मतलब अब छोड़ो यार, वो उस पर डाले पे नहीं जाते कि एक तीर से 2 निशान है, हमने यहां पर कुछ गलत बोल दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने बोला था कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, आयनाइजेशन एनर्जी का नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकता। हां, एटॉमिक वेट। क्या सबके डी ऑप्शन आ रहे हैं? अगर ये आंसर्स हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके नीट में, ध्यान रखिएगा। टू द पॉइंट नीट की बात करने वाले हैं। लॉथर मेयर कर्व, ये मेजॉरिटी लोगों से गलत कराऊंगा, ध्यान से सुनना। मेजॉरिटी लोग इसको गलत करने वाले होंगे क्योंकि आप पढ़ते हो इधर उधर की चीज। एनसीईआरटी में लिखा कुछ और है। लॉथर मेयर कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट हुआ था? हमसे जो पढ़ा हुआ बैच का स्टूडेंट है वो गलत नहीं करेगा। क्या एटॉमिक डेंसिटी और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट था? क्या एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट में ग्राफ प्लॉट था? क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट में ग्राफ प्लॉट था? कौन सा था? मेजॉरिटी गलत करेंगे, मेजॉरिटी। अगेन 99% लोगों का आंसर होगा बी, 99% लोगों का आंसर होगा बी, और यही आप गलत करोगे, यही आप गलत करने वाले हो। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, बॉइलिंग, एनसीईआरटी में लिखा है एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का उन्होंने ग्राफ बनाया था, साथ साथ में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का भी ग्राफ बना था एटॉमिक वेट के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी ग्राफ बना था एटॉमिक वेट के साथ। बेसिकली बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का ग्राफ बना था एटॉमिक वेट के साथ, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का ग्राफ बना था। अगर आपने आपकी गलती है कि आपने पढ़ा ये वाला है, बना बहुत सारा था। लॉथर मेयर ने बहुत सारे कर्व बना दिए, यही तो उसका ड्रॉबैक था कि उसने बहुत सारी ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। एटॉमिक वेट का एटॉमिक वॉल्यूम अदर ग्राफ है, एटॉमिक वेट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अदर ग्राफ है, एटॉमिक वेट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अलग ग्राफ है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खोल के रखना एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं देवियों सज्जनों, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे डिमेरिट के बारे में पूछा है। डिमेरिट क्या था मेंडलीव का? मेंडलीव की डिमेरिट ये थी, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। मेंडलीव की डिमेरिट नंबर 2, आइसोटोप के लिए अलग सेपरेट स्पेस नहीं दिया गया। डिमेरिट नंबर 3, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था उनका एटॉमिक वेट को पहले रख दिया और रिवर्स ऑर्डर रख दिया था, तो ये भी गलत हो गया था। अब आ जाओ, एटॉमिक वेट ज्यादा था, आमिर खान तेरी इच्छा कोई नहीं। एटॉमिक वेट वाला का था आमिर खान तेरी इच्छा कोई नहीं, इसका एटॉमिक वेट कम था, इसको पहले आना चाहिए था। लेकिन बाद में रख दिया। इसका एटॉमिक वेट कम था, इसको पहले आना चाहिए था, बाद में रख दिया, यही ड्रॉबैक था। आ जाओ, टेलूरियम विथ हाई एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। क्या समझ में आया? टेलूरियम एंड आयोडीन, ये सही है, यही तो डिमेरिट था। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, कोबाल्ट विथ हाई एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? आंखें खोल के देखना है, एकदम सही है क्या? ए एंड बी होने वाला है, ए एंड बी होने वाला है। आंसर पढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई लोग बी लिख रहा है बेटा, यहां से घूसा मारूंगा ना स्क्रीन टूट के, बस स्क्रीन टूटने का डर, बेटा घूसा मार देता बी ऑप्शन वालों। क्या टेल्यूरियम आयोडीन के बारे में एनसीईआरटी नहीं लिख रहा है? हाँ, आपने बोलोगे नहीं लिख रहा है, बेटा बैक एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, खोलो देखो। हमसे ज्यादा टाइम नहीं दिया एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट क्या था? मेरिट ये था, he left several gaps in the periodic table which was undiscovered। मेरिट यही था ना कि उस समय बहुत सारे एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनको भी, उनके बारे में भी प्रिडिक्शन कर दिया था। आंसर बताओ जल्दी से इसका क्या? इसका याद है अलका, गायत्री, सीता, गीता, बीएससी, एमटेक, याद है? अलका, गायत्री, मतलब एका एल्युमिनियम को लिखा गया था गैलियम, फिर लिखा गया था बीएससी मतलब एका बोरोन को लिखा गया था सिलिकॉन, फिर देखो अलका, गायत्री, बीएससी, सीता, एका सिलिकॉन को लिखा गया था जर्मेनियम, एका मैंगनीज को लिखा गया था एमटेक, टेक्नीशियम, टीसी टेक्नीशियम। देखो क्या सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। सेवरल गैप्स छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल विच वाज अनडिस्कवर्ड, सही है ये तो। एका एल्युमिनियम को गैलियम लिखा था, एकदम सही है। एका सिलिकॉन को जर्मेनियम लिखा था, एकदम सही है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव सही होने वाला है? क्या ऑल ऑफ द अबव सही होने वाला है? एकदम हाउ इज द जोश चैट सेक्शन में बने रहना चाहिए, हाउ इज द जोश चैट सेक्शन में दिखना चाहिए। मेंडेलीव के टाइम पे कितने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुए थे? हाउ मेनी एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन द सॉरी एथ ग्रुप। एथ ग्रुप में मेंडेलीव ने कितने पीरियड रखे थे, कितने एलिमेंट्स रखे थे? 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7। एथ ग्रुप में, मेंडेलीव के एथ ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे? तो मेंडेलीव ने एथ ग्रुप में ट्राइड बनाया था, 3-3 एलिमेंट्स का सेट बनाया था, ठीक है ना। कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित। मेंडेलीव ने 8th ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स का सेट रखा था, टोटल 9 एलिमेंट्स थे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? 1, 2, 3, 4 3-3 एलिमेंट्स का सेट रखा गया था, 3-3 एलिमेंट्स का सेट रखा गया था। टोटल एलिमेंट्स अगर पूछा जाता तो आंसर 9 होता। ग्रुप नंबर 8 में ट्राइड्स रखा था, 3-3 एलिमेंट्स का सेट रखा था, टोटल एलिमेंट्स पूछता तो आंसर 9 होता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, What were the main demerit? भाई मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट क्या है? डिमेरिट तो पहला डिमेरिट था, पढ़ते हैं, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा था, ग्रुप 7 में भी रखा था। यही तो डिमेरिट है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, ये मेंडेलीव का डिमेरिट था। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी, सही है। आइसोटोप को सेपरेट पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया था, ये डिमेरिट नंबर 3 था। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वे आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। अब आइए, व्हाट वेयर द मेन डिमेरिट्स की बात कर रहा है। आपका क्या जवाब है? बी आंसर है, सब लोग आंसर बी आ रहा है। ये भी डिमेरिट है हाइड्रोजन वाला, हीलियम को भी पोजीशन नहीं दिया, आइसोटोप को अलग पोजीशन नहीं दिया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं है, तो आंसर आपके पास आएगा ए बी सी डी, मतलब चारों ऑप्शन बी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्या सही कर पाओगे? देख लो आपको, चलो आ जाओ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट 3.3 पैराग्राफ से 3.1 और 3.2 एनसीईआरटी में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन निकाल के बता दो मैं मान जाऊं, क्योंकि मैंने खुद से सॉल्व किया है, खुद से बनाया है क्वेश्चन, तो मुझे आता है, तो मुझे पता है कि इससे बाहर नहीं बन पाएगा। इसमें इंटेक्स्ट भी कवर है, पीवाईक्यू भी कवर है और बैक एक्सरसाइज भी कवर है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो है ही। ये खुद का बनाया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना इस पे फोकस देता हूं क्योंकि सवाल इधर ही से आता है। आ जाओ, कह रहा है कि व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग ग्राफ। आपको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, इसके आगे पीछे की पूरी भूमिका बतानी है। ये ग्राफ कहां डिस्कस हुआ है, क्या साइंटिस्ट का नाम है, इससे क्या निकला था। तो देखो, हेनरी मोसले ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। हेनरी मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे एलिमेंट्स को लिया और उस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड हुआ तो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था और एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका अंडर रूट डिपेंड कर रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंडर रूट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट पे। अब आ जाओ, क्या दिख रहा है? व्हाट इज द रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड? क्या एटॉमिक नंबर है? क्या यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था? क्या यही हेनरी मोसले का एक्सपेरिमेंट था? तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इसीलिए रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब वाई इक्वल टू एम एक्स भी लिख सकते हो। क्या यही होने वाला है? क्या एकदम सही है? क्या बी ऑप्शन है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देवी सज्जनों ये रहा, जल्दी से करेंगे आप सब लोग, जल्दी से करेंगे। हु शोड अप दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताएं, कौन थे वो? क्या हेनरी मोसले थे? क्या मेंडलीव थे? क्या लॉथर मेयर थे? क्या न्यूलैंड थे? या डोबेरिनर थे? तो हेनरी मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या आंसर ए बोला जा सकता है? अगले क्वेश्चन पे जाया जा सकता है। कह रहा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताओ। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ व्हाट इज द आंसर? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर पे बेस है, एटॉमिक मास पे बेस है, या फ्रीक्वेंसी पे बेस है, आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे बेस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर पे बेस है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एटॉमिक वेट पे बेस है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, ये गलत है भाई। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, गलत है भाई। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, अरे यही सही है भाई। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन भी करा दूं? आओ बेटा करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये लो। कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं? अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वालों की बेटा सांसें रुक सकती हैं, सवाल आएगा नीट में ऐसा ही, क्योंकि यही नीट का है। आ जाओ, हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, कितने हैं प्राकृतिक एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? धातु। चलिए, हिंदी बहुत कमजोर है हमारी। तो प्राकृतिक नेचुरली अकरिंग कितने हैं? एक एलिमेंट है जिससे पहले सारे एलिमेंट्स नेचुरल हैं, उसके बाद बाकी सारे आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड एलिमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो तो यूरेनियम, यूरेनियम तक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल हैं। तो 94 होता है यूरेनियम का, 94 एलिमेंट्स हैं नेचुरली। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड। क्या पीरियड में सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? पीरियड में क्या ग्रुप में सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? क्या सीरीज में सिमिलर आउटर, कहां पे सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? एक बार अच्छा बेटा सारे लोग बस ऐसे ही आए हो दोस्ती, फटाक से ये लाइक बटन टूट जाना चाहिए, इतना ज्यादा प्रेस हो जाए। प्रेस दैट लाइक बटन। और ये सब्सक्राइब तुम नहीं करोगे ऐसे ही अच्छे कंटेंट मिस हो जाएगा। क्या तुम्हारे से कोई पैसा मांगा जा रहा है? नहीं ना, तो सब्सक्राइब बटन फ्री का है ना, तो उसको तोड़ना होता है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तो इसी तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा। वरना आप लाइक करोगे कि हाँ गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तो वही दिखाई देगा आपको यूट्यूब में, है ना? सुने हो ना, सुने हो, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, है ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कि किस वाले में पीरियड में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, सीरीज में होता है, ग्रुप में होता है। इन ग्रुप ऑल्सो एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे मान लो मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं, तो ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों NS1 होता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द पीरियोडिक नंबर कॉरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट। भाई पीरियड नंबर बजाय लिखो आप पीरियड नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है या स्पिन क्वांटम नंबर होता है या मैग्नेटिक होता है, क्या होता है? देवियों सज्जनों जल्दी से बताना है आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है। पीरियड नंबर जो होता है वो एन रिप्रेजेंट करता है। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। भाई जल्दी से इसका आंसर बता दो। ये मैजिक नंबर करके कुछ होता है, वही मैजिक नंबर इज द आंसर। जल्दी से सोचना है, आंसर बताना है चैट में। बेटा बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के कमेंट्स में। कह रहा है सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं? देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट, सेवन पीरियड में 32 एलिमेंट्स। 2, 8, 18, 32। क्या बोला? 2 times 8, 2 times 18, 2 times 32। याद ही करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन सेकेंड पीरियड से लेकर के सिक्स पीरियड तक पूछ रहा है। क्वेश्चन केवल यहां से यहां तक पूछ रहा है। तो 8, 8, 18, 18, 32 मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होगा। क्या आपका भी सी आ रहा है? बहुत बढ़िया, सब लोगों का ही सी आ गया है। नोमेनक्लेचर पे चलने क्या? बताओ जल्दी, हाउ इज द जोश? नोमेनक्लेचर पे चलने क्या? हर पैराग्राफ कवर हो रहा है, मजा हो रहा होगा, एनसीईआरटी याद हो रही होगी। नहीं आएगा इसी टाइप का सवाल आएगा। जल्दी से बोलते हैं 104 के लिए आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम क्या है? 104 के लिए आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम क्या है? तो देखो 101 में होता है मेंडलीवियम, 102 में होता है नोबेलियम, 103 में होता है लॉरेंसियम और 104 में होता है रदरफोर्डियम। ये नीट 2020 का पीवाईक्यू भी है। 104 को रदरफोर्डियम बोलते हैं। कितने लोग मेरे शॉर्ट ट्रिक को देखें और उस शॉर्ट ट्रिक से इसको याद किया हुआ है? मैन नोबल इंसान होता है, लॉ का पालन करता है, रदरफोर्ड डूबा सी में, बोर हंसा, मैं ड्रामा कर रहा था, रोता कोई नहीं। याद है? पूरा याद है? अच्छे से याद है? तो 104 वाला रदरफोर्ड आ रहा है। रदरफोर्डियम इज द एलिमेंट। शॉर्ट ट्रिक से भी कई बार सवाल हो जा रहे हैं। आओ 120 वाले का आईयूपीएससी नेम क्या लिखेंगे और उसका सिंबल क्या लिखेंगे? 120 वाले का आईयूपीएससी क्या लिखेंगे और सिंबल क्या लिखेंगे? आईयूपीएससी क्या है आपके पास? यून। भाई वन का क्या है? अन है। अच्छा उसके बाद पूरा लिख दो, चलो अन लिख दो, सिंबल बना लो यू। उसके बाद बोलो 2 के लिए बाई लिखने, बाई लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया बाई लिख सकता हूं। बाकी 0 के लिए नील लिख सकता हूं, बहुत सही नील लिख सकता हूं। और लास्ट में जब आप ईएम जोड़ोगे आईयूपीएससी नाम आ जाएगा। UBN, क्या यही है सिंबल? क्या यही है आपका नाम? तो ये सब कहां आ रहा है? अनबाइनिलियम इज द आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। ए सबका आ रहा है क्या? ए सबका ही आ रहा है। हाउ इज द जोश? अगला पैराग्राफ कवर होने वाला है। 121 का सिंबल पूछ रहा है। 1 के लिए अन लिखते हैं, 2 के लिए बाई लिखते हैं बी, 1 के लिए यू, UBU कहीं लिखा हुआ है, UBU इज द आंसर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं। क्या फिर से आपको दिख रहा है सी ऑप्शन? UBU जैसे ही हुआ। अगला एनसीईआरटी में मेंडलीव के ऊपर कौन सा एलिमेंट का नाम है? मेंडलीव के ऊपर कौन सा नाम है और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? मेंडलीव के ऊपर कौन से एलिमेंट का नाम है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों मेंडलीव के ऊपर मेंडलीवियम है और मेंडलीवियम 101 को बोला जाता है। मेंडलीव के ऊपर मेंडलीवियम है और मेंडलीवियम 101 के ऊपर है। जिसको ये वाला आईयूपीएससी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर याद नहीं, उसको एक टेबल दिया एनसीईआरटी में, याद करना है। टेबल एनसीईआरटी में याद किया है, खालो कसम की याद कर लेंगे, खालो कसम की याद कर लेंगे। अगले 2 पैराग्राफ कवर करने वाले हैं 3.5 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3.5 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दूं? आओ करा दूं, आ जाओ करवा दूंगा। डैश इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट। बेटा एन क्या दर्शाता है? पीरियड एन क्या दर्शाता है? क्या ये पीरियड नंबर दर्शाता है? अच्छा इसको क्वांटम नंबर में क्या बोला जाता है? क्या इसको क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है? अगर इसको क्वांटम नंबर की बात की जाए तो क्या मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलूंगा? एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो एन डिनोट्स पीरियड एंड इट डिनोट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे और एन इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड है। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? एक शेल है। एन इज इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड पीरियड और उसमें 2 शेल है। एन इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड पीरियड और उसमें 3 शेल है। तो यहां पर क्या आपके पास पीरियड आ गया है? बी ऑप्शन आ चुका है सब लोगों के। आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल आप करोगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रिंसिपल। अच्छा कई लोग कह रहे हैं स्पेलिंग सही कर लो, अरे भाई लो तुम, लो यहां आ जाओ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज डैश द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज डैश द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज। क्या आपको पता है 2n स्क्वायर फॉर्मूला से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है 2n स्क्वायर। आपको याद है मैंने नोट्स में लिखवाए हुए m इंटू n स्क्वायर। m क्या है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। m क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। फिर हम लोग n निकालते थे n प्लस 1/2 n माइनस 1 बाई, याद आ रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो m इंटू एन स्क्वायर, क्या ट्वाइस लिखूं, थ्राइस लिखूं, हाफ लिखूं, ट्वाइस है ना, डबल होगा ना, दो गुना डबल हो गया ना। लोएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन। कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे लोएस्ट नंबर होता है, और उसका नाम भी लिखो, उस पीरियड का नाम क्या बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट होता है, उस पीरियड का नाम क्या बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, सबसे छोटे एलिमेंट, सबसे छोटा पीरियड है। इस पीरियड का नाम क्या बोलते हैं। क्या इस पीरियड का नाम वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। क्या इस पीरियड का नाम वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है इसका नाम तो भी आपको पता होगा वेरी शॉर्ट पीरियड। आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन बेरिलियम। भाई बहुत ही सिंपल है। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने का एक 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 वो भी होता है कि थोड़े इजी सवाल भी मिलते हैं, बट अच्छे लेवल के सवाल भी मिलेंगे। तो बेरिलियम की बात करूं, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। जब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1:2:2 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन हो गया है। तो भाई आपके पास बेरिलियम 4 1:2:2 हो गया है। क्वेश्चन कवर हो चुका है। आगे स्क्रीन पे जाने वाले हैं देवियों सज्जनों, जल्दी से दोस्ती हो चुकी है क्या बेटा। दो बार दोस्ती कर लोगे ना तो दोस्ती कट्टी में बदल जाता है, दोस्ती जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट, जैसे ही हुआ है आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ पीरियड। किसी भी पीरियड का पूछ ले, चलो भाई पूछ रहा है फोर्थ पीरियड में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। मैं कहता हूं किसी भी इलेक्ट्रॉन में पूछ ले, तो किसी भी और इसमें पूछ ले तो एनएस से स्टार्ट होगा, एनपी पे एंड होगा। स्टार्ट एनएस से होगा, एंड एनपी पे होगा। ग्रेट है। चलो अब देखना, एनपी से पहले इसके पास n-1d आएगा, उससे पहले आपके पास n-2f आएगा। ns n-2f, n-1d और np। ध्यान से देखना द करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है। 4s में जाएगा, अगर f है तो ही देखेंगे, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद d आता है तो क्या 3d में जाएगा, उसके बाद क्या 4p में जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका n+l रूल से भी आप देख सकते हो, उसमें नहीं जाते हैं, ns से np तक होगा और उसके बीच में n-1d n-2f आता है। ठीक हो गया। ऐसा 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 4s 3d 4p 4s 3d 4p 4s 3d 4p। मजा ही आ चुका है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द 3d ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। किस पीरियड में 3d ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट है। पीरियड का नंबर क्या होगा अगर उसमें 3d ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट है। तो देखो हमें पता है कि पीरियड नंबर 4 में n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है, 3d सीरीज आता है। पीरियड नंबर 4 में 3D सीरीज है। पीरियड नंबर 5 में बच्चों क्या 4D सीरीज होगा। पीरियड नंबर 6 में बच्चों क्या 5D सीरीज होगा। अरे हाँ या ना जल्दी से बोल दो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर F की बात करें तो कौन सा सीरीज होगा। अगर F की बात करें तो फोर्थ पीरियड में तो F होता ही नहीं है, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में F होता है। N-2F यानी कि 4F सीरीज, यहां पे N-2F यानी कि 5F सीरीज। याद आ रहा है, कह रहा है कि कौन से पीरियड में n 3d लाई करेगा, यानी कि n-1 की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है। किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो ये तरीका या तो ये तरीका। क्या मैं आंसर फोर्थ बोल सकता हूं क्या। अगला क्वेश्चन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि द 4d ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट एट। 4d ट्रांजिशन एलिमेंट कहां स्टार्ट हो रहा है। 4d ट्रांजिशन एलिमेंट, 4d ट्रांजिशन एलिमेंट याद करना। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से कहां तक है। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है क्या। स्कैंडियम से लेके जिंक तक है क्या। अच्छा और यट्रियम से, स्कूटर यहां लाओ, जिंक कैडमियम, यट्रियम से कैडमियम तक है क्या आपके पास। स्कैंडियम से जिंक तक, यट्रियम से कैडमियम तक। ये होने वाला है 18 जोड़ दो तो 8 1 9 2 1 3 39 से लेकर के 18 जोड़ दो 48 तक, 39 से 48 तक क्या 40 सीरीज है। आपको जवाब मिल चुका है, जवाब मिल चुका होगा ये ट्रियम से लेके कैडमियम तक, ठीक हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे 5D सीरीज, तो 5D सीरीज तो इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है लैंथेनम। लैंथेनम इज नॉट एफ ब्लॉक, इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और फाइनली मरकरी, फाइनली मरकरी 57 यहां होता है, 58 से 71 कोई और चला जाता है एफ ब्लॉक और रिमेनिंग बाकी चले जाते हैं यहां पे। चलो नेक्स्ट, ये ट्रियम के बाद आगे आ जाते हैं। 6th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट। 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 32 एलिमेंट। तो 6th पीरियड में आपके पास आ जाएंगे 32 एलिमेंट। याद कर लो, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और अगर सेवेंथ पूछे तो। एकदम क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिक्स होने वाला है, पूरा एनसीईआरटी करोगा। आइए पूछ रहा है 6 पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉन भरना हो तो कैसे भरेंगे। मैंने हर एलिमेंट हर पीरियड का समझा दिया। 6 पीरियड में अगर एलिमेंट भरना है तो कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरोगे। तो मैंने बोला हर पीरियड में एनएस से एनपी भरा जाएगा। हाँ, रास्ते में N-2F भी मिलेगा और N-1D भी मिलेगा अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो। 6 पीरियड में यानी कि 6S तो मिलेगा, 6P भी मिलेगा, N-2F यानी कि 4F मिलेगा, N-1D यानी कि 5D मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। 6S है, 4F है, 5D है, 6P है। 6S है, 4F है, 5D है, 6P है। क्या बेटा, अरे B बोल रहे हो, C बोल रहे हो। 6S है, 4F है, 5D, अरे C हो गया, मैं चेक कर रहा था आप सो तो नहीं रहे हो। यही वाला आंसर होगा। यहां 5P है वो मत मार्क कर देना बेटा, मैं भावुक हूं, आप भावुक मत हो जाना। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। क्या टाटा डोकोमो की कसम खा ले इस बार, क्या इस बार डोकोमो की कसम खा ले? तो बेटा आपकी डोकोमो कहीं बैठी हुई है और आपका भी कहीं बैठा हुआ है, लड़कियां कम नहीं हो तुम। तो डोकोमो की कसम है अगला क्वेश्चन। ओहो, गलत नहीं होना चाहिए, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। The 4f orbital begins with dash and dash. बेटा the 4f orbital begins with dash and dash. कई लोग कह रहे कि सर 5000 बच्चे देख रहे हैं। अरे भाई बच्चे 5 ही देखें ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 50,000 भी देखें तो भी हम वही हैं। टीचर ही होता है बेटा, उस पर डिपेंड नहीं करता। हम शोशाबाजी वाले नहीं है कि हाँ हमारी बड़ी क्लास है, हमारी ये क्लास है, हम इतने बच्चे पढ़ाते। सबको मिल के सारे बच्चों को पढ़ाना होगा, एक अकेले इंसान से नहीं होने वाला है। राइट, एवरीवन हैज टू वर्क ऑन दैट कांस्टेंट चीज। हम उसको पीछे करें, हम दूसरे को नीचे गिराएं, ये सब नहीं करेंगे अपन सीधा आदमी काम करेंगे, जहां भी रहेंगे ईमानदारी से काम करेंगे। द फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद डैश एंड 4f इनर। कहां से बेटा 4f सीरीज कहां से कहां तक होता है? चलो तो 4f सीरीज सबसे पहले बता दो कौन से पीरियड में होता है। 4f सीरीज कौन से पीरियड में होता है, 5f सीरीज कौन से पीरियड में होता है? तो 4f सीरीज होता है मेरे बच्चों पीरियड नंबर 6 में, 5F सीरीज होता है मेरे बच्चों पीरियड नंबर 7 में। एकदम बढ़िया, 4F सीरीज होता है इसमें। अब आ जाओ, 4F सीरीज कहां से कहां तक आता है? 58 से 71 तक, बहुत अच्छा। 5F सीरीज कहां से कहां तक आता है? 90 से 103 तक, एकदम बढ़िया। 58 से 71 यानी कि सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, एकदम बढ़िया। बोल दो जल्दी से। तो आपको 4F सीरीज के बारे में पूछा है, सीरियम से लुटेशियम तक पूछा है, सी ऑप्शन बोल चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहा है, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे बेटा। अगर अच्छा पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, रिगार्डिंग वर्टिकल कॉलम या ग्रुप। वर्टिकल कॉलम और ग्रुप के रिगार्डिंग ये एलिमेंट जल्दी से बताइए। दे हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सही है क्या भाई? ग्रुप में, ग्रुप या वर्टिकल कॉलम की बात हो रही है, क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है? यस, सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, प्रिसाइजली सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, टू बी प्रिसाइज। आ जाओ, दे हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई ये तो सही है, कह रहा और भी सही है क्या, चेक कर लो। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल। भाई आउटर में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तभी तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तभी तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये भी सही है। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर सही लिखना है तो केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है क्योंकि एटॉमिक वेट डिफरेंट हो गया, मोलिकुलर वेट डिफरेंट, एटॉमिक वेट डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक सबका एक ही होने वाला है, तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तीनों ही सही हो रहे हैं क्या? तो तीनों ही मछली पानी में गई है क्या? तीनों ही छपाक हो गई है क्या? तो तीन मछली पानी में गई, आंसर डी हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ। कह रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द, व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप की बात आई है, अब आप लोग थोड़ा गौर से सुनोगे। रिलेशनशिप की बात आई है, अब आप गौर से सुनोगे। कह रहा हो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and group 2 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? हाँ, द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स की बात करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट नहीं, फ्यू एलिमेंट, द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and group 2। याद करो, लिथियम कहीं ना कहीं से ग्रुप 1 के फ्यू एलिमेंट ग्रुप 2 वाले के साथ कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। इसका कितना है लिथियम का? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, इसमें 9 जोड़ दो 12, यानी कि मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, ठीक है ना। बेरिलियम जो है वो एल्युमिनियम के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। बोरोन जो है वो आगे मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 14, ठीक है। इन दोनों को ही अभी लिखेंगे, इन दोनों को ही लिखते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ग्रुप के सेकंड वाले ग्रुप के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप के कुछ एलिमेंट सेकंड वाले ग्रुप के कुछ एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। एक बात बताओगे, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या था? Why the elements show diagonal relationship? Why the properties are same? भले ही वो दो अलग अलग ग्रुप्स में है, बट फिर भी प्रॉपर्टी सेम क्यों है? कोई रीजन बताएगा? अरे बहुत बढ़िया आ गया, ये कह रहा है फाई, फाई की वजह से। फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो। अगर एलिमेंट्स के चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम है तो आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है। एकदम बढ़िया हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, ये ले लो, डायगोनल रिलेशनशिप इज द आंसर। ये लो 30 सेकेंड्स, गियर अप। फोड़ते हैं इस क्वेश्चन को भी, फिर से डोकोमो की कसम खा लो। आ जाओ, अरेंज द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 12, 16, 36 विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कह रहा है एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। बढ़िया है, कोनो परेशानी नहीं है ना। तो आइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? देखो, या ये फ्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है, ये सल्फर है, और 36, 2, 10, 18, 36, 2, 10, 18, 36, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये क्रिप्टन है, ठीक है। कह रहा विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ध्यान देना, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा। नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब कह रहे हैं कौन हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि आप देख पा रहे होगे, मैग्नीशियम जो है भाई मेटल है, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। मैग्नीशियम एक तो लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहां पे ये मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेरे हिसाब से तो आंसर मैग्नीशियम ही होगा, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी आंसर मैग्नीशियम ही है। अब देख लो, फ्लोरीन नहीं हो सकता, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आपके पास आ गया है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, 3.6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडीएफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक में ये आ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज द नोबल गैस की। बहुत सिंपल है यार, कौन इसमें से नोबल गैस है? हीलियम। ये छोड़ सकते हो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। इस पे आ जाओ, कह रहा है कि हेलियम बिलोंग करता है विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हेलियम बिलोंग करता है विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हीलियम बिलोंग करता है आपके पास पी ब्लॉक, ये एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन और हीलियम का पोजीशन एक्सेप्शन होता है। हीलियम में देखो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होता है 1:2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है एस में, फिर भी एक क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलैरिटी शो करता है? अल्कली वाले के साथ, अल्कलाइन वाले के साथ, हैलोजन वाले के साथ। तो बेटा जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन एम्बिगुअस है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच करता है, यानी कि हाइड्रोजन तो अल्कली में ही रखा गया है बट वो हैलोजन की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। हमें आपको समझ में आना चाहिए हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 की तरह भी है, ग्रुप 17 की तरह भी है। ऐसा नहीं कि केवल अल्कली है, केवल हैलोजन ही है। फ्यू प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद ग्रुप 1 अल्कली, फ्यू प्रॉपर्टी रिजेंबल विद ग्रुप 17 हैलोजन। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बाद अगला 9.6.1 एस ब्लॉक एलिमेंट, अगला 9.6.1 एस ब्लॉक एलिमेंट। बढ़े आगे आ जाओ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एस ब्लॉक। भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के रिगार्डिंग कौन करेक्ट है? पूरा है एस ब्लॉक। अब आपको पता चला कि एस ब्लॉक तो सर हटा दिया है लेकिन पीरियोडिक टेबल में दिया है, करना पड़ेगा। डी सर पी ब्लॉक के कुछ पोर्शन हटा दिया है बट यहां पे तो वो दिया हुआ है पी पीरियोडिक टेबल में, तो एनटीए बना वो है वेग है, आप कुछ कह नहीं सकते उसको क्योंकि जो पोर्शन वो डिलीट किया वो यहां है। हाइड्रोजन पोर्शन डिलीट कर दिया, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी में। इसके बारे में क्या ख्यालते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या ये मेटल है? मेटल है और एस ब्लॉक की खास बात है कि NH1 और NH2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH1 और NH2 होता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? भाई आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH1 और NH2 होता है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे +2 चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आया समझ में ये बात? चलो भाई +1 +2 आएगा तो रिएक्ट कर गए, तो सही कह रहा है। दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनर्ट गैस बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनर्ट गैस हो जाएगा। तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब कह रहा है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 +2 बनाएगा, ये तो हमने पहले ही लिख दिया +1 +2 बनाएगा। तो क्या तीनों ही सही है? तो क्या ऑल द अबव सही है? क्या इस बार चारों मछली पानी में गई है? क्या चारों मछली छपाक हो गई है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगला प्रश्न, डोकोमो की कसम सही करोगे बढ़िया से, मछली पानी में नहीं भोजोगे। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। गलत कौन है भाई? अल्कली मेटल लूजेस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म +1, बिल्कुल सही है। रीजन, क्योंकि अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा ये +1 बनाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कह रहा है +2 बनाता है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, बेटा ये +2 बना के आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है हाई रिएक्टिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड प्योर इन नेचर। कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट प्योर नेचर में पाया जाता है, गलत है ना? अभी अभी पढ़ाया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं और अगर रिएक्ट करेगा तो प्योर कहां रहा, वो तो कंबाइन कर जाएगा। भाई ध्यान से, एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन करता है ना, हाईली रिएक्टिव है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो रिएक्शन करेगा तो प्योर कहां रहा? रिएक्शन करने के बाद किसी से कंबाइन हो गया, इम्प्योर हो गया। यही गलत है, इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट वन। अभी नहीं, डी ऑप्शन भी पढ़ो, मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ध्यान देखना, नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है बता देता हूं। नीचे जाने पे बेटा साइज बढ़ेगा, बोलो यहां तक क्लियर है? अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो मेटल होने की मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पे मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे इतनी सारी चीजें बढ़ती है, और एकदम रिवर्स कर दो लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? बेटा नॉन मेटल होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई ये रहा रिएक्टिविटी। एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी करके पूरा एक लाइन दिया हुआ है, रिएक्टिविटी पूछेगा, इसीलिए अभी पिछले स्लाइड पे बताया। नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। फिर से ध्यान दो, ऐसे पढ़ लो कि रात में सपने में भी कोई आए तो आपको ये याद रहे। कोई आए मतलब हम ही आएंगे सपने में क्वेश्चन पूछने, कोई और आएगा तो कोई कुछ और पूछेगा। तो बेटा जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यही तो होने वाला है। तो करेक्ट रिएक्टिविटी क्या होने वाला है? नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। आ जाओ, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? ए फॉर बी, सी, डी, ए या बी या सी या डी। नीचे जाने पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ए ऑप्शन हो चुका है क्वेश्चन। जल्दी से बोल दो, आगे बढ़ सकते हैं। अरे बेटा देवियों सजनों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मेटालिक कैरेक्टर। मैंने बोला नीचे जाने पे साइज भी बढ़ेगा, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो जो ऑर्डर रिएक्टिविटी का था वही मेटालिक का होगा, जो ऑर्डर रिएक्टिविटी मेटालिक का है वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओ गलत हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सही हो गया, बी ऑप्शन। एकदम बढ़िया है, आगे आ जाएं, चले जाएं, बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विद एक्सेप्शन ऑफ दिस एंड दिस आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि एस ब्लॉक वाले मेटल हैं। अब मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पूरे एस ब्लॉक में दो एलिमेंट्स आयनिक नहीं बनाते हैं, वो कोवेलेंट की तरफ जाते हैं। वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं? पूरा का पूरा एस ब्लॉक मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोवेलेंट की तरफ बनाता है। कौन है बेटा? दोनों टॉप वाले लिथियम और बेरिलियम। ग्रुप 1 का टॉप कौन है? लिथियम। ग्रुप 2 का टॉप कौन है? बेरिलियम। ये दोनों के दोनों ही बेटा प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है, साइज कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है? लिथियम बेरिलियम। क्या सी ऑप्शन है बेटा? क्या सी ऑप्शन है? सी फॉर कैलकटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहो आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट? मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं? एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, दोनों को। मेन ग्रुप एलिमेंट क्या बोला जाएगा यहां पे? हाँ, मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस प्लस पी ब्लॉक को बोला जाता है। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट को, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। बोलो चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी सिंपल है। पी ब्लॉक का ही नहीं, अभी एस ब्लॉक भी आएगा, पी ब्लॉक भी आएगा, डी ब्लॉक भी आएगा, एफ ब्लॉक भी आएगा। आ जाओ, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH1 से 2 होता है। बोलो क्लियर है? इनर्ट गैस NH1 से 2, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर्ट गैस NH2 NP1 से 6। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं डी ब्लॉक के बारे में। इनर्ट गैस N-1D 1 से 10, N-1D 1 से 10, और फिर आपके सामने आ जाएगा NH2 और फिर आ जाएगा NH2। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ईद मुबारक आपको भी बेटा, ईद मुबारक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनर्ट गैस N-2F 1 से 14, ये F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख रहा हूं। N-1D 1,2 या 0,1 और हो जाएगा आपके पास NH2। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आपके पास आ रहा है? ए ऑप्शन NH2 NP1 से 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नोबल गैस? इनकरेक्ट बोलो नोबल गैस में। एनसीईआरटी का लाइन चल रहा है तो कुछ सवाल इजी भी लगेगा, कुछ सवाल एग्जाम लेवल लगेगा। तो एनसीईआरटी का हर लाइन कवर हो ताकि कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे आपसे होना चाहिए। यह है इस सेशन का मकसद। कह रहा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग नोबल गैस। आ जाओ, नोबल गैस एग्जिबिट वेरी हाई केमिकल रिएक्टिविटी, इनकरेक्ट। नोबल गैस तो स्टेबल होता है ना, इनकरेक्ट क्या, इनकरेक्ट हो गया। नोबल गैस तो स्टेबल हो गया, हाई कहां से होगा? नोबल गैस स्टेबल हो गया, हाई रिएक्टिविटी हो ही नहीं सकती, रिएक्शन करेगा ही नहीं। लो रिएक्टिविटी, अच्छा कह रहा है लो रिएक्टिविटी हो गया, यह तो सही है, लो वाला सही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, नोबल गैस आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, सही है। लेकिन हमसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो यही होगा। नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होगा ना, लेस रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैलोजन एंड चाल्कोजन। हैलोजन किसको बोलते हैं? हैलोजन किसको बोलते हैं? क्या ग्रुप 17 वाले को, बिल्कुल सही है। चाल्कोजन किसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप 16 वाले को, बिल्कुल सही है। क्या ना इनके बारे में कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है? These two group of the elements have highly negative electron gain enthalpy. Yes. Reason बताओ सर, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो और एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में आया? क्योंकि स्टेबल होने वाला है और स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है, काफी एनर्जी रिलीज हुई है। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, क्या रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी लेगा, यही तो हमने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी लेगा। आगे बढ़ते हैं, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक क्या होने वाला है? बेटा मेटालिक आपको बता दिया है, नीचे से टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने वाला है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने वाला है। बोलो ठीक है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटालिक बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कम होगा। तो यहां पे आंसर होने वाला है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो मेटालिक, नॉन मेटालिक इंक्रीज करेगा। सही हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ला सकते हैं, यह रहने वाला है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पैराग्राफ। अब पैराग्राफ नंबर डी ब्लॉक वाला चला के लेके जा रहे हैं, डी ब्लॉक वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वाई ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर रेफर टू एज डी ब्लॉक। बेटा डी ब्लॉक वाले को ग्रुप 3 से 12 बोलते हैं, क्यों? डी ब्लॉक वाले को ग्रुप 3 से 12 बोलते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? डी ब्लॉक वाले को 3 से 12 वाले को डी ब्लॉक बोलते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? देखो जब हम डी ब्लॉक वाले में जाते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, ठीक हो गया। आ जाओ, पहला प्लस क्या कर रहा है? फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। इनर का मतलब n-1d इलेक्ट्रॉन होने वाला है, फिलिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, रॉन्ग। फिलिंग ऑफ p ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, रॉन्ग। तो आंसर आपके पास आ जाएगा कि n-1d इनर डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस हो रहा है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, डी ब्लॉक वाले का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ये अभी लिखा हुआ है। अच्छा, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में, मैच द कॉलम में घुसा के पूछ लेते, तो ये रटी लो। डी ब्लॉक वाले का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है देवियों सज्जनों, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या होने वाला है? n-1d 1 से 10 NH2। क्या ये होने वाला है? क्या 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 ये होने वाला है? बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन होने वाला है? अच्छा, ये भी कई जगह सही बोला जाता है, NH 0 से 2। रीजन बताओ, पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, इसमें आपके पास NH 0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। इसका होता है 4d10 5s0, 4d10 5s0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या होने वाला है आपके पास? बी ऑप्शन होने वाला है। कोई प्रॉब्लम, देखो भाई बी भी सही बोला जाता है, सी भी सही बोला जाता है, बी भी सही है, सी भी सही है। सी इसलिए सही है कि सी जो है पैलेडियम को मान लिया। अब एनसीईआरटी में क्या है? 0 से 2 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है? 0 से 2 दिया हुआ है। और जब आप डी ब्लॉक खोलोगे तो यहां पे ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, पीरियोडिक टेबल में ये लिखा है। डी ब्लॉक वाला चैप्टर निकालो तो ये लिखा है, और एक्चुअल में दोनों सही है। इसमें क्या है कि इसको एक्सेप्शन करके पैलेडियम लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट पैलेडियम, और इसमें लिख दोगे तो पैलेडियम कवर हो जाएगा। तो सही दोनों है, एक जगह पी ब्लॉक में ये लिखा है, एनसीईआरटी में पीरियोडिक में ये लिखा है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाओ। डी ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वाइड है। डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वाइड है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे मेटल है, इनका नाम होता है बेटे ट्रांजिशन मेटल, इनका नाम होता है बच्चों ट्रांजिशन मेटल। अब आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द आर ट्रू रिगार्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट से रिगार्डिंग कौन सा सही है? क्या डी ब्लॉक वाले कलर बनाते हैं? अब डी ब्लॉक चैप्टर याद करो, डी ब्लॉक चैप्टर देखोगे तो जबरदस्त कलर होता है। KMnO4 का आपने कलर याद कर रखा है, पर मैग्नेट का पर्पल कलर याद कर रखा है, K2Cr2O7 का कलर याद रखा है ऑरेंज, याद आ रहा है? तो डी ब्लॉक वाले कलर दिखाते हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल भी पढ़ते हैं डीएनएफ ब्लॉक में, तो ये कलर तो दिखाएगा। चलो नेक्स्ट, इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट है यार। ये वेरिएबल वैलेंसी होगी, रीजन बताओ। वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे Mn जो है वो +2 से +7 तक दिखा रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल है, कभी +2, कभी +3, कभी +4, कभी +5, कभी +6, कभी +7, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल है। और पूरा एक टेबल है जिसमें वेरिएबल वैलेंसीज दिखाया जाता है। स्कैंडियम और जिंक को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है? तो डी ब्लॉक वाले वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, ये भी सही है। दे शो पैरामैग्नेटिक एंड ऑफन यूज एज कैटलिस्ट। डी ब्लॉक वाले, अब जैसे D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन हटा दो तो सारे पैरामैग्नेटिक हो गए। अब पैरामैग्नेटिक हो गए तो आपके पास कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होगा, क्योंकि कैटलिस्ट में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर काम करते हैं। तो सारे के सारे सही है बेटा, ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू रिगार्डिंग ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, बोलो क्लियर है? ये आपके पास हो गया है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आ जाओ। कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सॉरी, हाँ, जिंक कैडमियम मरकरी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब देखो जिंक कैडमियम मरकरी कहां है, तो सर जिंक कैडमियम मरकरी में याद आ रहा है 3d10, जिंक कैडमियम मरकरी में 3d10 होता है। तो देख लो यहां पे क्या होने वाला है, n-1d10 NH2, n-1d10 NH2, 3d10 4s2 लिखते हैं इसको, 3d10 4s2, n-1d10 NH2, n-1d10 NH2, B ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन को दिखाया जाए क्या, F ब्लॉक एलिमेंट्स पे अब आते हैं। हमने पहले S ब्लॉक के क्वेश्चन किया, सारे लाइन कवर किया, P ब्लॉक के क्वेश्चन किया, सारे लाइन कवर किए, D ब्लॉक का क्वेश्चन किया, सारा लाइन कवर किया। एक बार आप सुने हुए रहोगे ना तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है? इसलिए पूरे एनसीईआरटी को एक बार सुनना जरूरी है, स्कैन करना जरूरी है। F ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है the two rows, कह रहा है the two rows of elements at the bottom of the periodic table। बेटे lanthanide series और actinide series बोलते हैं bottom of the periodic table पे, lanthanide series and actinide series। आ जाओ the two rows are lanthanide and actinide series elements, lanthanide and actinide series या lanthanide and actinide elements। next, which of the following is not correctly matched, जल्दी से देख के बता दो कौन है जो not correctly matched है। Which of the following is not correctly matched, जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है लैंथेनाइड कौन कौन होता है, तो बेटा 58 से 71 सीरियम से ल्यूटेशियम लैंथेनाइड होता है, यहां पे लिखा हुआ है 58 से 71 सीरियम से ल्यूटेशियम लैंथेनाइड लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आ जाओ 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है, 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है, 4D ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम से लेकर कैडमियम तक होता है, तो ये ZN है, गलत लिखा हुआ है। थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक होता है, ये भी सही एक्टिनाइड। 4D ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक होता है, 48 एटॉमिक नंबर, यट्रियम से कैडमियम तक होता है, यही नॉट ट्रू है, यही इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, व्हाट इज द आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट। बेटा F ब्लॉक वाले का आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन बता जाओ, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, n-2f1 से 14, क्या दिख रहा है आपके पास, n-2f1 से 14, ये सही है, n-2f1 से 14, n-1d07, n-1d07 और NH2, यही A ऑप्शन सही होने वाला है, n-1d07 यही A ऑप्शन सही होने वाला है, थोड़ी देर पहले लिखा था। आ जाओ, F ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इसमें 10 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। F ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, n-2f में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक वाले n-2f में जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, D ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं, D ब्लॉक वाले को बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, D ब्लॉक वाले को मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये इनर ट्रांजिशन है क्योंकि n-2f में इलेक्ट्रॉन जाता है। चमका बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ये लो अपना, कह रहा है एलिमेंट है हमारे पास 117 एटॉमिक नंबर है, ठीक हो गया। फिर कह रहा है कि एलिमेंट 120 है, ये कौन से ग्रुप में जाएंगे ये बता दो जरा, कौन से ग्रुप में जाने वाले हैं ये बता दो। अब ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, 104 ग्रुप नंबर 4 में जाएगा, 105 ग्रुप नंबर 5 में जाएगा, 106 ग्रुप नंबर 6 में जाएगा, 107 ग्रुप नंबर 7 में जाएगा, 108 ग्रुप नंबर 8 में जाएगा, 109 ग्रुप नंबर 9 में जाएगा, 110 ग्रुप नंबर 10 में जाएगा, 111 ग्रुप नंबर 11 में जाएगा, 112 ग्रुप नंबर 12 में जाएगा, 113 ग्रुप नंबर 13 में जाएगा, 114 ग्रुप नंबर 14 में जाएगा, 115 ग्रुप नंबर 15 में जाएगा, 116 ग्रुप नंबर 16 में जाओगे, बोर तो नहीं हो रहे हो, 118 ग्रुप नंबर 18 में हो जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो एकदम बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लो बेटा, आपके पास आ जाएगा 117 कहां जाएगा, ग्रुप नंबर 17 में, और 120 कहां जाएगा, ध्यान दो 119 ग्रुप नंबर 18 में आ चुका है 118। अब अगला एलिमेंट वापस कहां आएगा, ग्रुप नंबर 1 में। भाई 18वां ग्रुप लास्ट ग्रुप है, तो अगर ग्रुप नंबर 18 में 118 है तो अब 119 वापस ग्रुप नंबर 1 में आएगा और 120 वापस ग्रुप नंबर 2 में आएगा। तो 119 वापस ग्रुप नंबर 1 में आएगा, 120 वापस ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ये चंगा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बोल दो, ये आपके पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर डी आ रहा है 17 और ग्रुप नंबर 2। समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, ये लो, Which of the following is not true regarding the characteristic of the metal? मेटल की कैरेक्टरिस्टिक से कौन सही नहीं है। अब मेटल क्या होता है, आप लगे आते पढ़ते रहो, मैं आपको बताता हूं। मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, मजा आया, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, मेटल वो जिसका साइज बड़ा हो, मेटल वो जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, मेटल वो जो लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है, ये सारी चीजें मेटल की है। अब आ जाओ जरा, कह रहे मेटल जो है यूजुअली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, सही बात है। मेटल, आयरन की बात कर लो, लोहे की बात कर लो, सॉलिड होता है ना रूम टेम्परेचर पे। ऐसा थोड़ी है लोहे का गेट है पिघल गया, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये तो सही है, नॉट ट्रू पूछा है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब लोहा है, लोहे को पिघलाने के लिए कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेगा, हाई, हाई है तो एकदम सही है। फिर कह रहा है लोहा है, लोहे में करंट लगेगा नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगा नहीं होगा, लोहे की रॉड छुओगे करंट लगेगा, तो मस्त यहां पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है मेटल जो है डक्टाइल और मैलिएबल नहीं है, मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब उसको हथौड़े से मार मार के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हथौड़े से मार मार के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहे की चादर भी आपने देखी होगी। उसके बाद डक्टाइल का मतलब इसको क्या वायर के फॉर्म में खींच के बड़ा कर सकते हैं, तो लोहे को हम लोग मैलिएबल और डक्टाइल होता है मेटल्स, यही नॉट ट्रू है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, बुखार होता है तो ऐसे मुंह में लगाते हो, वही मरकरी है, लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, ऐसे ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे दिख रहा होता है। रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। अच्छा, कई लोगों का जवाब होगा सीजियम के बारे में, बेटा वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होता है, ठीक हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, कौन है लो मेल्टिंग पॉइंट, कौन होने वाला है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो कुछ एलिमेंट्स, अच्छा ये एनसीईआरटी में है, आपको लगता है कि कहीं एनसीईआरटी से बाहर तो सवाल नहीं आ रहा है, ये कोचिंग वाले में नहीं पढ़ाएंगे, बड़े टीचर्स इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में, बता देता हूं पहले, आ जाओ। कह रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट कौन है, कौन है जो कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाएगा। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ एलिमेंट्स समर सीजन के दौरान लिक्विड हो जाते हैं और विंटर में वो सॉलिड हो जाते हैं, मतलब दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसके बारे में आप देख लो गैलियम और सीजियम ऐसे हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। रूम टेम्परेचर पर तो वो सॉलिड ही दिखेगा, बट रूम टेम्परेचर से हल्का सा आया, गैलियम जो है ना, गैलियम ये 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सिमिलर टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है ना 40 डिग्री 45 डिग्री, तो गैलियम जो है वो लिक्विड हो जाता है। सेम विद सीजियम, सीजियम भी ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर है उसका, तो गैलियम और सीजियम दोनों ही वैसे रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड रहेंगे, बट गर्मी वाले सीजन में 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। आ जाओ यहां पे, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है नॉन मेटल आर लोकेटेड एट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो भी टॉप में या बॉटम में। बड़ा सिंपल सवाल है, देख लो। नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बात क्लियर है? जल्दी से, नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बात क्लियर है? हाँ या ना? चलो, लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बात क्लियर है? अब जल्दी से इसका जवाब दे दो, जल्दी से इसका जवाब दे दो। व्हाट इज द आंसर, ए बी सी या डी? मैं देखना चाहता हूं आपका जवाब, व्हाट इज द आंसर, ए बी सी या डी? हाँ, तो नीचे जाने पे मेटल बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और ऊपर जाने पे वो भी राइट हैंड साइड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो टॉप राइट, क्या बोला गया? एक तो राइट में जाओगे नॉन मेटल, और टॉप में रहोगे तो नॉन मेटल, नीचे जाओगे तो मेटल। तो टॉप राइट हो गया। क्या आपके पास ए ऑप्शन दिख रहा है, टॉप राइट? क्या आंसर टॉप लेफ्ट? कौन बोल रहा है भाई? बी ऑप्शन नहीं, ए है। बी नहीं, ए है। बच्चों समझ में आ गया है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, हॉरिजॉन्टल रो। कह रहा है डैश टू डैश, अगर मैं एक पीरियड की बात करता हूं तो कैसे चेंज होगा? मेटल से नॉन मेटल होगा, या मेटल से मेटल होगा, या नॉन मेटल से मेटल होगा? क्या होने वाला है भाई? लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको कौन मिलता है यहां पे? नॉन मेटल मिलता है। क्या लेफ्ट से राइट जाओगे तो राइट में नॉन मेटल मिलता है, लेफ्ट में मेटल मिलता है? लेफ्ट से राइट जाओगे तो राइट में नॉन मेटल है, लेफ्ट में मेटल है। बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर है? हाँ या ना? तो क्या आपके पास मेटल से नॉन मेटल हो रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेहतरीन क्वेश्चन फॉर योर नीट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेहतरीन क्वेश्चन फॉर योर नीट। कह रहा है दे आर यूजुअली सॉलिड। भाई नॉन मेटल के रिगार्डिंग पूछा है, ध्यान से देखना, नॉन मेटल के रिगार्डिंग पूछा है। नॉन मेटल, आ जाओ। नॉन मेटल के रिगार्डिंग क्या होता है? ध्यान दो, मेटल जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जो नॉन मेटल होगा जनरली दे आर यूजुअली सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। चलो एक बार पढ़ लेते चारों स्टेटमेंट। फिर कह रहा है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन। ठीक है भाई, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा नॉन मेटल गुड कंडक्टर का नहीं होगा। दे आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेरिएबल नॉर डक्टाइल। ये तो सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओहो इनकरेक्ट, गलत। बेटा इनका नॉन मेटल का करेक्ट स्टेटमेंट पहले पता कर लेते हैं। दे आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, नॉन मेटल जो है जनरली या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। नेक्स्ट आ जाओ, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। मेटल का हाई होता है, इनका लो होता है। दे आर गुड कंडक्टर, ये गलत है भाई। मेटल होते हैं गुड कंडक्टर, नॉन मेटल बैड कंडक्टर हो जाते हैं। मेटल होते हैं गुड कंडक्टर, नॉन मेटल बैड कंडक्टर हो गए। फिर कह रहा है दे आर ब्रिटल, सही बात है। मेटल होता है मेलिएबल और डक्टाइल, नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, ब्रिटल होगा। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट पाए। जैसे ये नॉन मेटल है, इसको तोड़ दिया जाए तो आसानी से दो पार्ट में टूट जाएगा। तोड़ना नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कह रहा है कि द एलिमेंट्स विच शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक दिखा तो क्या बोलते हैं? क्या उसको मेटलॉइड बोलते हैं? मेटलॉइड को ही बच्चे सेमी मेटल बोला जाता है। तो अब आप ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? भाई मेटलॉइड और सेमी मेटल बात एक ही है बेटा, मेटलॉइड और सेमी मेटल बात एक ही है, आंसर डी होगा। कई लोग सेमी मेटल में रुक जाते हैं, कई लोग मेटलॉइड में रुक जाते हैं, दोनों सही है। क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों टर्म यूज किया है इसलिए ऑप्शन ऐसा बना है। Which of the following is not a metalloid? बेटा बोरोन इज द टिपिकल नॉन मेटल। बोरोन जो है ये टिपिकल नॉन मेटल है। बाद बाकी सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ये मेटलॉइड्स हैं। ये सारे मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बोरोन इज द टिपिकल नॉन मेटल। आगे बढ़ जाओ, इनकरेक्ट मैच बताना है बच्चों। क्या बताना है? इनकरेक्ट मैच के बारे में बताना है। मार्क द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। अब देखो यहां पे ये 3s2 3p6 है। क्या ये क्लोरीन की बात कर रहा है? अब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? क्लोरीन मेटल है, नॉन मेटल है? सर राइट हैंड साइड में है इसलिए नॉन मेटल होगा, तो सही है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। 5s2 4d10 5p5 नॉन मेटल है। हाँ बेटा p5 है ना, p5 है, यानी कि अगेन ग्रुप नंबर अच्छा 3H2 3P6 है ये 3H2 3P6 ये इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस नॉन मेटल लिखा है वो तो गैस है। चलो 5P5 है ग्रुप 17 का है नॉन मेटल ये सही है। 3D7 है डी ब्लॉक का है मेटल है सही है। पी ब्लॉक का है नॉन मेटल है सही है। बेटा इनर्ट गैस नॉन मेटल कैसे होगा? आंसर ए होगा। ठीक है आंसर ए होगा। ध्यान से देखना 3H2 3P6 दिख रहा है क्या? 3H2 3P6 ये इनर्ट गैस है नॉन मेटल, मेटल कैटेगरी में ना डालो दे आर गैसेस। आया दे आर गैसेस। ये वाला क्वेश्चन करो इनकरेक्ट मैच नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाओ फाइंडिंग ग्रुप पीरियड एंड एटॉमिक नंबर। जल्दी से बता दो। बहुत सही आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है नीट ड्रीमर कह रहे हैं कि लाइक कर दो गाइस। बेटा मेरी बात तो सुनते नहीं हो, नीट ड्रीमर की बात सुन लो। लाइक कर दो गाइस। गाइस सुभाष सैनी जी कह रहे हैं कि सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया अंकल जी गर्दा मजा दिए। बेटा हम कौन से एंगल से अंकल जी लग रहे हैं तुम्हारे? अंकल तुम हो भाई, मैं हूं द स्मार्ट विशाल तिवारी। ठीक है ये मेरे को मत बोला करो तुम अंकल अंकल। Is this enough? More than enough? Is this enough? More than enough? ताऊ मजा कर दिए। अरे भाई ये हरियाणा का लड़का है ताऊ नहीं। यू आर लुकिंग हॉट। भाई ये ब्राउन टी शर्ट में कौन हॉट लगता है यार? छोड़ो यार तुम इधर आओ। चलो यहां आओ। पीरियड नंबर ये PQ है। अच्छा ग्रुप नंबर 15 है पीरियड नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 15 पीरियड नंबर 2 यानी कि बेटा फॉस्फोरस की बात हो रही है। पी जो है ग्रुप नंबर 15 अच्छा पीरियड नंबर 2 है यानी कि पी जो है वो फास्फोरस की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 2 में पीरियड ये है तो ग्रुप नंबर 2 में पीरियड नंबर 3 है तो मैग्नीशियम आएगा। ग्रुप नंबर 2 में पीरियड नंबर 3 मैग्नीशियम आएगा। अब मैग्नीशियम और फास्फोरस का एलिमेंट कैसे बनेगा ध्यान देना। तो मैग्नीशियम +2 है और फास्फोरस बेटा -3 है नाइट्रोजन फैमिली। तो क्या क्रिस क्रॉस होगा और Mg3P2 बनेगा? क्या Mg3P2 क्रिस क्रॉस बनेगा? Mg क्या है आपके पास? Q है Q3। P क्या है? फास्फोरस P2। Q3P2 बन रहा है क्या? क्या ध्यान देना Q3P2 बन रहा है क्या? Q3P2 बन रहा है क्या? C ऑप्शन। जनरली लोग B मार के गलत कर देते हैं। उल्टा लिखा है एग्जामिनर ने। Mg3P2 बनेगा उल्टा लिखा एग्जामिनर ने। बेटा यही है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आता हुआ सवाल गलत हुआ नहीं हुआ जल्दी से बता दो। आता हुआ सवाल गलत हुआ नहीं हुआ जल्दी से बता दो भाई। उसके बारे में कह रहा है वो पीरियड सेकंड है और ग्रुप 15 है। अब ग्रुप 15 में सेकंड पीरियड कौन है? नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप 15 में सेकंड पीरियड नाइट्रोजन है बेटा। ये नाइट्रोजन है यहां नाइट्रोजन है तो Mg3N2 आंसर रिमेंस द सेम। आंसर रिमेंस द सेम। चमका आ गया बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलो आ जाओ। जैसे ही आपके पास आया ये आपके पास अच्छा लेवल का सवाल है नीट लेवल का सवाल है। ठीक है ना वो आंसर उल्टा आएगा बट आपको यहां पे सही मार्क करना है। आंसर उल्टा आएगा बट आपको सही मार्क करना है। देखो पीरियड 2 ग्रुप 15 कौन है? नाइट्रोजन है। पीरियड 3 और ग्रुप 2 कौन है? मैग्नीशियम है। तो Mg और नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg3N2। Mg क्या है? Q। N क्या है? P। तो Q3P2 ये रहा। जैसे ही आपने किया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये रह गया आपके पास सी ऑप्शन। जैसे ही वो आगे बढ़ जाओ कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। कई जोड़ियां भी बेटा मिसमैच हो जाती है। आप लोगों में से भी मिसमैच हुआ होगा। आ जाओ इस पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट एज गिवन बिलो। मिसमैच कैसे? आ जाओ जैसे ही आ जाएगा 6 पीरियड में Z = 89 F ब्लॉक है बेटा। Z = 89 है तो याद करो 90 से 103 F ब्लॉक होता है, 58 से 71 F ब्लॉक होता है। यही मिसमैच है। ये F ब्लॉक थोड़ी है 90 से 103 F ब्लॉक होता है। यही मिसमैच है। अब देखो ये सही है 90 से 103 सेवेंथ पीरियड F ब्लॉक। 115 कहां आएगा? ग्रुप नंबर 15 में सेवेंथ पीरियड में। ग्रुप नंबर 15 P ब्लॉक सेवेंथ पीरियड। ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 15 ये भी मिसमैच है बेटा, ये भी मिसमैच है। यहां पे पी ब्लॉक आएगा, ग्रुप नंबर 15 का है पी ब्लॉक है, तो ये भी मिसमैच है। तो आंसर आपके पास डी आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। आंसर आपके पास डी आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। तो देखो कितना सही क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर फाइंड करने का, एलिमेंट फाइंड करने का, कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या होगा, z इक्वल टू 89, ये डी ब्लॉक होगा। 90 से 103 एफ ब्लॉक होता है, तो पहला गलत है। ठीक हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये आंसर डी हो गया। अब आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कौन सेम ग्रुप में है? तो सेम ग्रुप में है यानी कि जो एलिमेंट होगा उसका डिफरेंस इज इक्वल टू मैजिक नंबर। क्योंकि अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये आपके पास ग्रुप नंबर 18 के एटॉमिक नंबर है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 32 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 32 आ रहा है। तो एक ग्रुप का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जो डिफरेंस निकालोगे तो मैजिक नंबर आता है। यहां आ जाओ, इसका डिफरेंस निकालोगे 9, ये मैजिक नंबर नहीं है। इसका निकालोगे 18, ये मैजिक नंबर आ रहा है, यही आंसर है। डिफरेंस ऑफ द एटॉमिक वेट अगर मैजिक नंबर आ रहा है तो एक ग्रुप का एलिमेंट है। बोलो क्लियर है? जल्दी से बोल दो कमेंट करके एक बार कि हाँ यार सर सही है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि 12 और 30 में जो डिफरेंस आया 18 का वो आ गया है। एकदम सही हो गया। जैसे ही हुआ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, 12 और 30। एक सेकेंड, ओके ओके ओके, 12, 8, 20, 10, 30। 12 और 30 में डिफरेंस है, 12 और 30 नहीं होगा, रॉन्ग है, 12 और 30 नहीं होगा। भले ही डिफरेंस आपका मैजिक नंबर आए, बट एक बार ये भी तो चेक करोगे, 12 वाला मैग्नीशियम है और 30 वाला जिंक है। 12 वाला मैग्नीशियम है, 30 वाला, एक एस ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक का है, तो कभी भी एक ग्रुप के नहीं होंगे। चलो ये भी चेक करना पड़ेगा। नाइस, इन दोनों का डिफरेंस देखो 18 है, अब सही है। 13 है यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास एल्युमिनियम, उसमें 18 जोड़ोगे तो गैलियम आएगा यानी कि 31। तो ये ग्रुप का एलिमेंट है, सी ऑप्शन आ जाएगा, ये ग्रुप का एलिमेंट है। समझ में आया? मैग्नीज और जिंक ये क्यों हुआ, ये एस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, कभी भी एक ग्रुप में नहीं आ सकता। हाँ, 13 और 31 का डिफरेंस मैजिक नंबर आ रहा है। अब चेक कर लो, इसका है 5, इसमें 8 जोड़ोगे 13, इसमें 18 जोड़ोगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। तो एल्युमिनियम और गैलियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बोलो क्लियर है? जैसे ही हुआ है नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये सी ऑप्शन आंसर सही है। अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को करो, ज्यादा समय मत लेना, बस इस क्वेश्चन को करो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जल्दी से करो। टेस्ट सॉल्यूशन कौन देगा? टेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है नीट ड्रीमर जी। नीट ड्रीमर जी आप क्वेश्चन करिए ना, आप बस ये कह रहे हो कि सर ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन करो बच्चों प्लीज, व्हाट इज द आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो आपके पास आ जाएगा 2, 8, 8, 18, 18, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आ जाने वाला है। ठीक है, 6th और 7th पीरियड में 32, 32 होता है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। अब यहां आ जाओ, कह रहा है पैलेडियम का एक्सेप्शन है, डी ब्लॉक में पैलेडियम का बच्चों एक्सेप्शन है। आ जाओ, पैलेडियम इज एन एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन, 4d10 5s0। ये कौन से ग्रुप में होता है? तो याद करो, पैलेडियम कहां आता है, निकाह पढ़ो पंडित। ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 48 एटॉमिक नंबर होता है। फेकोनी क्यों जलाते हो, 12, 11, 10 ग्रुप नंबर 10 में ये लाई करता है, डी ब्लॉक में ये लाई करता है। ठीक है, ये 4th पीरियड है, पीरियड इक्वल टू 4th है, और ये पीरियड नंबर 5 में लाई करेगा, और ये पीरियड नंबर 6 में लाई करेगा। अब बता दो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पीरियड और ग्रुप। तो बेटा पीरियड आपको चमक गया 5, ग्रुप आपको चमक गया 10, तो पीरियड 5 एंड ग्रुप 10 में आपके पास पैलेडियम आ चुका है। पीरियड 5 और ग्रुप 10 हो चुका है, मेरे से पहले कर चुके हो। अगला सवाल, क्या डोकोमो की कसम कर जाओगे, क्या डोकोमो की कसम आप कर जाओगे? देखो बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। आ जाओ, ये ले लो, मिसमैच, ये कर चुके हैं, रिपीटेड सवाल है इसलिए टाइम नहीं लगाएंगे। ये वाले पे आ जाओ, कह रहा है एटॉमिक नंबर दिया गया है 43, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर दिया गया है 43, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट अपवर्ड ऑन इट, कह रहे इससे ऊपर कौन है? तो अगर एटॉमिक नंबर 43 है, 43 है, आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। अभी पता करो 43 एटॉमिक नंबर में कहां आता है। अब देखो इसको याद करने के लिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ठीक हो गया। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये ग्रुप नंबर 1 का एटॉमिक नंबर है। मैंने आपको आलिया भट्ट के नंबर से याद कराया था और ये ग्रुप 18 का एटॉमिक नंबर है। मैंने आपको कटरीना कैफ का नंबर दे रखा था। अब आपने अटेम्प्ट करो और जल्दी से बताओ। कह रहा 43 कहां है? ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 1 में तो 1 और 2 है, पीरियड नंबर 2 में 3 से लेकर 10 है, 11 से 18 है, 19 से 36 है। 43 कहीं यहां आएगा, 37 इसके बगल में आएगा, 38 इसके बगल में आएगा, 39 फिर आएगा, 40 फिर आएगा, 41 फिर आएगा, 42 फिर आएगा, 43। ध्यान देना, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7। 43 कहां आ रहा है? ग्रुप नंबर 7 में आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो ग्रुप नंबर 7 में आ गया। अब कह रहा है ग्रुप नंबर 7 कौन है तो याद करो, स्कैंडियम ग्रुप 3 है। साइंस याद करो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफेको ने क्यों जलाते हो? ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, तो ग्रुप 7 हो गया। मैं मन तक रे ठीक हो गया। अब कौन से पीरियड में है पता करो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में लाई कर रहा है। तो ये फोर्थ पीरियड है फिफ्थ पीरियड में, यानी कि टेक्नीशियम की बात कर रहा है टेक्नीशियम की बात। टेक्नीशियम से जस्ट पहले, जस्ट अबव इट का है ना, जस्ट अपवर्ड, प्रेजेंट अपवर्ड ऑन इट, इससे ऊपर कौन है? मैंगनीज। अब मैंगनीज है तो वो होगा 3D5-4S2। कहीं पे ऐसा ऑप्शन है 3D5-4S2? 3D5-4S2 ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 3D5-4S2 ए ऑप्शन चमक रहा है। 3D5-4S2 एक में चमक रहा है। सर कुछ नहीं किए हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ नंबर आएगा क्या? बेटे अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, अपने आप से गद्दारी नहीं करूं, तो एक चीज है कि नहीं आएगा नंबर, हाँ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपके नीट में क्वेश्चंस करने में सहूलियत होगी, हाँ। ये मैं कह दूं कि आज से ये कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। पूरा 1 साल लगता है, स्ट्रेटजिक ईयर लगता है, फिर सिलेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, आपके पास आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। अब आ जाओ यहां पे, मैच द एटॉमिक नंबर और वो कॉलम पीरियड। बेटा एटॉमिक नंबर दिया है, पीरियड में मैच करना, कौन से पीरियड में लाई करेगा। अब आपको ये याद है ग्रुप नंबर 1 का 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ये ग्रुप नंबर 1 का है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये ग्रुप नंबर 18 का है। ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है, ये पीरियड 7 है। आ जाओ, कह रहा है कि एटॉम 31 कहां है? 31 वाला क्या पीरियड नंबर 4 में लाई करेगा? जरा देखना, 31 वाला पीरियड नंबर 4 में लाई करेगा। 50 कहां लाई करेगा? क्या इसमें लाई करेगा पीरियड नंबर 5 में? तो 50 लाई करेगा बेटा पीरियड नंबर 5 में। अब आ जाओ नेक्स्ट 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 56 कहां लाई करेगा? तो पीरियड नंबर 6 में लाई करेगा। पीरियड नंबर 6 वाला बेटा 4th है, बहुत बढ़िया। 14 कहां लाई करेगा? क्या पीरियड नंबर 3 में लाई करेगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपसे मैं देखना चाहूंगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सर सोशल एंजाइटी कैसे खत्म होगी? बेटा सबको, सबका एक ही रूल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आपका दिमाग क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा तो आप बहुत अच्छा बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी दिमाग में। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। कह रहा है एक एलिमेंट एक्स है जो 4th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात। 15th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। 15th ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। और x बिलोंग टू 4th पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, यही है 4th पीरियड। आर्सेनिक है उसमें, आर्सेनिक की बात कर रहा है। कह रहा है इट हैज अ कंप्लीटली, अरे यार तो क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली है ना तो NH2NP3 होता है, नाइट्रोजन फैमिली है तो NH2NP3 होता है, जरा देख लो। पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल कहा गया। कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। It has a half filled p orbital and completely filled s and d. Obviously बेटा इससे पहले N-1D कंप्लीटली फिल्ड होगा। इससे पहले डी ब्लॉक है, फोर्थ पीरियड है, डी ब्लॉक है, कंप्लीटली फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है और उससे पहले का डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो डी ऑप्शन सबके आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आएंगे, थोड़ा सा दिमाग को स्टेबल करके सोचोगे तो जवाब आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए मैच द फॉलोइंग आने वाला है। मैंने बोला था ना हर वेराइटी के क्वेश्चन करा लेंगे, बस ये सेशन कर लो, समझ हो जाएगा। कॉलम वन हैज सर्टेन डिटेल अबाउट एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैच दोज विद ग्रुप टू एंड ग्रुप वन। ग्रुप वन और ग्रुप टू में जो दिया गया उसको मैच करना है। आ जाओ, कह रहा है एन एलिमेंट हुज फोर्थ शेल कंटेन्स 2p इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल कंटेन्स 4p2। अगर 4p2 है तो कौन से ग्रुप में है? NH2 NP2 कौन से ग्रुप में होगा? NH2 NP1 ग्रुप 13, NH2 NP2 ग्रुप 14। क्या आपके पास इसका R आ रहा है जवाब? ग्रुप 14। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, एलिमेंट हुज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1 NP1 आ रहा है, मतलब यहां पे ये बोरोन फैमिली का है, ग्रुप 13 का है। यहां पे बोरोन, अच्छा एक बार फिर पढ़ो, एलिमेंट हुज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन, बेटा 1 अनपेयर्ड यानी कि NH2NP5, एक अनपेयर्ड है, या तो NH2NP1 होगा या तो NH2NP5 होगा। एक अनपेयर्ड तभी हो सकता है, या तो NH2NP1 हो या तो NH2NP5 हो। अब NH2NP1 का आंसर नहीं है, मतलब ग्रुप नंबर 13 उसमें नहीं है। अब क्या करो, NP5 यानी कि ग्रुप 17 की बात कर रहा है, NP5 यानी कि ग्रुप 17 की बात कर रहा है, इसका S हो गया। नीचे आ जाओ, एलिमेंट विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इन N-1D, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D में जा रहा है, 8th ग्रुप होगा कि 12th ग्रुप होगा? देख लो 4s2 3d10, ये आपका 12th ग्रुप यानी कि Q, और ये हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग P। तो RSPQ कौन सा जवाब है? RSPQ बिल्कुल सही है। दैट इज व्हाट वी हैव सेड, सी ऑप्शन, दैट इज व्हाट वी हैव सेड। आपके पास ये 2 बार रिपीट हो गया है, ये गलत से। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है लैंथेनम कौन सा मेंबर है? एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक का है। देखो लैंथेनम जनरली ये कंफ्यूजिंग है कि सर लैंथेनाइड्स में लैंथेनम तो होता होगा, नहीं, लैंथेनाइड्स जो है वो लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनाइड्स जो होते हैं बच्चों, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब जरा आ जाओ, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं, इसलिए लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सी ऑप्शन। ठीक है ना, 58 से 71 तक ये होता है एफ ब्लॉक या लैंथेनाइड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहां आ जाओ, मैचअप करना है। इस मैचअप के बारे में क्या ख्याल है आपके? जल्दी से बता दो वो इस मैचअप के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है। 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है? ठीक हो गया सर, 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होता है। अब आ जाओ, चलो तो बच्चों याद करो 21 से लेकर के 30 तक 3D ट्रांजिशन सीरीज होता है। 3D ट्रांजिशन सीरीज 21 से 30 तक होता है, ऐसा कौन सा है? तो सर 3 आ गया, पहले का 3 होने वाला है, ये रहा आंसर। लैंथेनाइड सीरीज 58 से 71 होता है, लैंथेनाइड सीरीज बेटा 58 से 71 होता है, 1 ऑप्शन होगा। नीचे एक्टिनाइड सीरीज 90 से 103 पाया जाता है, देखो 90 से 103 4 होगा तो 1 फिर 4 होगा। 4D ट्रांजिशन सीरीज याट्रियम से लेके कैडमियम तक, ठीक है ना, 48 तक और 39 से 48 तक कुछ इस तरह से होता है, 39 से 48 तक सेकेंड ऑप्शन। तो जब आप जाओगे सी इज द करेक्ट वन। जैसे ये हुआ आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेटा बेटा कितने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आ जाओ, कह रहा है एलिमेंट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज आर केप्ट सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, सही है ना, 3D वाला 4th पीरियड में है और 4D वाला 5th पीरियड में है, ये तो सही है सर, चलो दिस इज ट्रू। एलिमेंट्स ऑफ 4F एंड 5F आर केप्ट सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, क्या कहना चाह रहा है इसमें समझो। 4F और 5F तो ठीक तो है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में तो रखा गया। एलिमेंट्स ऑफ 5P एंड 6P, अच्छा ये कह रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अलग से कौन है, लैंथेनाइड एक्टेनाइड यानी कि 4F 5F, समझ में आया? पूरे पीरियोडिक टेबल में बॉटम में दो अलग से हैं, उसकी बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन पढ़ के मुझे समझ में आया तो बी ऑप्शन होगा लैंथेनाइड और ऑक्टेनाइड्स। कई बार क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो ऑप्शन से हो जाता है, यही एग्जामिनेशन में आपको सीख के जाना है। देख लो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जैसे हुआ आगे आ जाइए, कह रहा है नॉट करेक्ट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में पढ़ो। एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार दिमाग के आगे से निकाल लो, नंबर बढ़ेंगे अगले टेस्ट में, ये मैं आपको बता देता हूं। हाँ, वो पेन सहना पड़ेगा कि हम मुझे बैठ के पढ़ना ही है। आ जाओ, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये तो सही है, यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है बच्चे, चलो ये तो सही हो रहा है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स कम है और मेटल्स ज्यादा है, ये है पहला। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2d थोड़ी होता है, n-1d होता है, यही गलत है। हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ज्यादा हैं, नॉन मेटल्स कम है। मेटल में s ब्लॉक भी है, d ब्लॉक भी है, और नॉन मेटल में p ब्लॉक, वो भी आधा। नॉन मेटल्स कम होते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, नॉन मेटल्स कम होते हैं, p ब्लॉक उसमें भी आधा। चलो, तो आपके पास सी ऑप्शन आ चुका है, जो कि सारे बच्चे को आ रहा है। कह रहा है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बच्चों, ठीक है ना? धैर्य से चलते जाइए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। पहला स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ूंगा, मेरे साथ चलो, आ जाओ। कह रहा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। सही तो है, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है, ये तो सही है। रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट फोर्थ पीरियड में आता है, 3D सीरीज से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, या ट्रियम से कैडमियम तक, लैंथनम से वहां मरकरी तक। तो ये स्कैंडियम सही है, पहला एलिमेंट है। देयर आर 3 ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल, ईच कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट। सही बात है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3-3 एलिमेंट्स हैं, ये भी सही है। कह रहा है अलोंग अ पीरियड हैलोजंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Along a period, halogens have maximum negative electron gain enthalpy. ये तो सही है। तो आपके पास C option is wrong. There are 3 transition series in the periodic table. 3 transition series है। 3D series एक होता है और 4D series होता है। 3D series, 4D series, अच्छा ओके, 5D series और 6D series। तो 3 ट्रांजिशन सीरीज नहीं है। फोर्थ पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक 4 ट्रांजिशन सीरीज है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। 4 से लेकर के वहां तक 4 ट्रांजिशन सीरीज होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है, यही सही है। चलो, सही है सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, फॉल्स स्टेटमेंट आपको देखना है। फॉल्स स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है लैंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। अब ये केवल एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। फॉल्स पूछ रहा है लैंथेनाइड्स को क्या हम आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट करते हैं, एक स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा पढ़ो, आयनिक रेडियस ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड स्ट्रीटली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बेटा आयनिक रेडियस क्या एटॉमिक नंबर के बढ़ने से बढ़ता है? नहीं, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से कम होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे लैंथेनाइड्स की, एक्टेनाइड्स की एटॉमिक रेडियस कम होती है, और वो भी ट्राइवेलेंट, यानी कि Ln+3 की बात कर रहा है, वो तो कम ही होगा। लैंथेनाइड्स हैव लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एज कंपेयर टू एक्टेनाइड, ठीक बात है। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3, ये भी ठीक बात है। तो आंसर जो आपके पास चमका वो रहा आपके पास डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज, बेटा इस क्वेश्चन में ना एरर है, दिस क्वेश्चन हैज सम एरर, ये क्वेश्चन में एरर है। एक बार वापस पीछे चलो, एक सेकेंड, क्या हुआ, ला ला ला, बेटा इतनी बड़ी पीपीटी है ना, वो हैंग हो रही है। एक सेकेंड रुको, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, इस क्वेश्चन पे आएंगे। एलिमेंट्स व्हिच जनरली एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हुज आयंस आर कलर्ड। अच्छा, कह रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल कौन दिखाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आयंस कौन है? कलर्ड, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि डी ब्लॉक वाले वेरिएबल बैलेंस ही दिखाएंगे और कलर दिखाएंगे, तो डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, बी ऑप्शन। तो डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, बी ऑप्शन। जैसे हुआ नेक्स्ट पे आ जाते हैं 3.7.1। अब हम चल रहे हैं बेटा, इतना करने के बाद उसमें से बस एक क्वेश्चन स्किप किया है, इतना करने के बाद एनसीईआरटी कवर होता है पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स से पहले वाला। अब हम बेटा करने वाले हैं ट्रेंड्स। एक बार कर लोगे तो जो सुकून की नींद आएगी और अगले टेस्ट होंगे वहां पे नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं बस यही उम्मीद रखता हूं बेटे कि दोस्ती और लाइक बटन आपने प्रेस कर दिया होगा। मैं चाहता हूं आपको पढ़ाई की वीडियोस ही रिकमेंड हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं तो कुछ और ही दिखेगा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों यहां पे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर पूछ रहा है, तो क्या हमने नोट्स में ये बच्चे पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर? शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों का ऑर्डर सेम है, एस सबसे ज्यादा एफ सबसे कम। शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों का ही ऑर्डर सेम है, शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। दोनों का ऑर्डर एस में सबसे ज्यादा होता है, पी में, फिर डी में, फिर एफ में सबसे कम हो जाता है। ऐसा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है बेटा? ए ऑप्शन। शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन दोनों का आंसर सेम है। अब चलो नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है बेटा। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां लगता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में या यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? ये देखो डेफिनेशन से कितना फाइन सवाल बनाया। देखो कह रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन। बेटा शील्डिंग इफेक्ट हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है, शील्डिंग इफेक्ट हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है बेटा, देखो ये यूनि एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी एब्सॉर्ब नहीं होगा। सारे के सारे जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन पे बनता है, यूनि इलेक्ट्रॉन पे लगता ही नहीं है। याद करना, यूनि इलेक्ट्रॉन बताया था न्यूक्लियर चार्ज लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन, सारे यूनि इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं लगेगा। जैसे ही हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये बताओ, ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया, कह रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कोवलेंट बॉन्ड में आधा कर दो, क्या मिलेगा? कोवलेंट बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा इज कोवलेंट रेडियस। जैसे ये देखो, ये है एलिमेंट ए, ये है एलिमेंट बी, इन दोनों का ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से मिलाने वाली कोवलेंट, ये हो गया डी, और इसको कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2 बोलते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज योर कोवलेंट रेडियस। इंटर न्यूक्लियर का डिस्टेंस का आधा इज योर कोवलेंट रेडियस। एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? एटॉमिक साइज एक जनरली पीरियड की बात कर रहा है, सारे पीरियड में दिया गया है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट साइज कम होता है, ठीक है, टॉप से बॉटम बेटा साइज बढ़ता है। अब देख लीजिए कुछ छोटे छोटे सवाल भी आएंगे। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। क्या सबके ए ऑप्शन आएंगे? कुछ छोटे छोटे सवाल भी आएंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The correct reason of decrease of atomic radius. The correct reason of decrease of atomic radius क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे क्यों रेडियस कम होता है? What is the correct reason? तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको पता है Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना। अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ है तो इसमें क्या ऑप्शन है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चूंकि इंक्रीज करता है इसलिए साइज कम होता है, बोलो क्लियर है हाँ या ना, समझ में आया। जैसे ये हुआ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बताइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बताइए, तो देख लो एक पीरियड की बात कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होगा, इनर्ट गैस का साइज बढ़ जाता है। तो देखो क्या लिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन का साइज बढ़ जाता है बिकॉज वंडरवाल रेडियस लगता है। यहां पे वंडरवाल रेडियस की बात नहीं कर रहा है, केवल ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। सबका ए ऑप्शन है, सबका ए ऑप्शन आ रहा है एकदम बढ़िया से। लिथियम से साइज कम हो जा रहा है। जैसे हुआ अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। गिवन एलिमेंट्स आर दिस 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 इज, लोएस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है? लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज होता है, तो इसका स्मॉलेस्ट है। क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बेटा स्मॉलेस्ट है, क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बच्चों डी ऑप्शन में स्मॉलेस्ट है। अमेजिंग है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेफ्ट से राइट कम हुआ है, आ जाओ। ग्रुप में इंक्रीज करेगा बेटा, टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीजेस, टॉप से बॉटम साइज इंक्रीजेस इन ए ग्रुप, टॉप से बॉटम साइज इंक्रीजेस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होगा। ये बात हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, एटॉमिक रेडियस ग्रुप 17 ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप 17 ग्रुप में क्या होने वाला है। तो देख लो, जैसे जैसे नीचे जाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, क्या यही होने वाला है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा। ए नहीं बी होने वाला है। ए वालों बेटा लास्ट के दो एलिमेंट देखो, ऐसे ही फंसोगे आप नीट में। ए वालों ये गलती मत कर लेना। आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज 117 के बाद ये 118 आ जाओ। कह रहा है केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, एक केटाइन छोटा होता है पेरेंट एटम से। रीजन बताइए, केटाइन छोटा होता है, आपको बताया था क्लास में क्या होता बेटा, z बाई ई रेशियो, या सॉरी e बाई z रेशियो, e बाई z रेशियो कम हो जाता है, e बाई z रेशियो कम हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे बोलोगे, इट हैज केटाइन में, इट हैज केटाइन में लेस इलेक्ट्रॉन, केटाइन में इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन, क्या है, इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियर चार्ज सेम है। देखिए यहां पे पेरेंट एटम है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया कम और प्रोटॉन बढ़ गया, यहां प्रोटॉन सेम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया कम और प्रोटॉन हो गया सेम, इलेक्ट्रॉन हो गया कम और प्रोटॉन हो गया सेम। तो ये आपके पास समझ में आया, इलेक्ट्रॉन हो गया कम और प्रोटॉन हो गया सेम, तो ए ऑप्शन में ठीक है ना। यहां दोनों सेम सेम है तो अट्रैक्शन बराबर रहा। यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, खींच ले गया। अब केटाइन के बाद नेक्स्ट, द साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनाइन बेटा, जो पेरेंट एटम है और जो एनाइन है, एनाइन का साइज बढ़ गया। रीजन बताओ, क्योंकि एनाइन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि एनाइन में बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा, रिपल्सन की वजह से साइज बड़ा हो गया। यहां आ जाओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से साइज हो गया बड़ा। समझ में आ गया है, क्लियर एकदम। आगे बढ़ सकते हैं, नीचे आ जाओ, इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज इमेंस से, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। कह रहे हैं कि द एटम एनाइन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कुछ नंबर ऑफ आइंस जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते, क्या इनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, पीछे बी होगा, किसका बी होगा बेटा, ये वाले का, इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, केटाइन इज स्मॉलर देन, नहीं सही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। और मैं किसमें, बी में, इसका तो बी ही है। अच्छा ये वाले की बात कर रहे हो क्या, इसका आंसर सी हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इसका आंसर डी होगा। ये लिखा तो है, ये लिखा तो है, इससे नहीं चमक पा रहा है क्या, ये लिखा तो है, समझ तो गए होगे, डी आंसर है। चलो खैर, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, एटॉमिक नंबर 8 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, सारे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सारे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ऑल ऑफ दीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, गिवन एलिमेंट्स आर दिस, विच अमंग द, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, आगे आ जाओ। ये बताओ, ये एनसीईआरटी का स्निप है बच्चों, इसमें रेडियस वाला चीज बताइए। एनसीईआरटी सारा दिमाग में होना चाहिए। अभी मैं कोवेलेंट रेडियस की और अच्छे सवाल भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, और अच्छे क्वेश्चंस भी लूंगा। आ जाओ, कह रहा है कि ए और बी क्या है। तो देखो, ए जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, दिस इज कोवेलेंट रेडियस। ए जो है कोवेलेंट बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे ए, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। तो ए जो है बच्चों वो कोवेलेंट रेडियस है। बी के बारे में क्या ख्याल है बेटा, दो मोलिक्यूल का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो मोलिक्यूल का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और जब इसका आधा करोगे तो क्या निकल जाएगा, वंडरवाल रेडियस। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंडरवाल रेडियस को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो कोवलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का जो आधा करोगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे तो वंडरवाल रेडियस आ जाएगा। एकदम सही है, बी का आधा करने पर वंडरवाल रेडियस आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बना के दिया गया है, कह रहा है फ्यू वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट से राइट। कुछ वैल्यूज दी गई हैं लेफ्ट से राइट के लिए एंड टॉप से बॉटम के लिए। प्रिंट द प्रॉपर्टी। देखो टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ रहा है भाई, वैल्यू दिया है टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ रहा है और लेफ्ट से राइट जाने पे कम हो रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टॉप से बॉटम बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट कम होगा? तो एटॉमिक नंबर नीचे जाओगे तब भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ये तो नहीं होने वाला है। आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर कम होता है, ये बढ़ रहा है, ये गलत है। एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ेगा और इधर जाने पे कम होगा, यही सही है। एटॉमिक रेडियस, क्या आप सब लोगों के सी आया? वैल्यू देख के आपको प्रेडिक्ट करना है। आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना है जो इधर जाने पे बढ़े और इधर जाने पे कम होए, वो एटॉमिक रेडियस है। वो नीचे जाने पे बढ़े और लेफ्ट से राइट जाने पे कम होए, वो एटॉमिक रेडियस है। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब जैसे आप आओगे, ये रहा आपके पास, ये एटॉमिक रेडियस आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। ये नीट लेवल का सवाल है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा के मैंने बेस बना दिया, अब इसमें गोल्ड क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो जो गोल्ड क्वेश्चन ऐड किया है, आ जाओ यहां पे। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो सही है, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? हमें रॉन्ग पूछा है, राइट नहीं। फिर आ जाओ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड। ये भी सही है बेटा, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज हो जाएगा कम, तो ये सही है। लेकिन हमें रॉन्ग पूछा है। एमोंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ये गलत है बेटा। आपके पास केटायन का रेडियस जानते हो आप? केटायन का रेडियस कैसे होता है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। भाई केटायन का रेडियस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। दिस इज द रेडियस ऑफ द केटायन। केटायन का रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अमॉन्ग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज हायर द, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज हायर द रेडियस एंड हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस। ये होगा, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। और देखो एनायनिक रेडियस आपको पता है, एनायन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, तो ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द रेडियस। एनायनिक रेडियस में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रेडियस होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपके पास मिल गया है बच्चों, ये हो गया है। अगला ऑप्शन पे आ जाओ, ये ऑप्शन ढूंढो। ये नीट लेवल का कितना परफेक्ट सवाल है। ऑप्शन ढूंढो, कह रहा है इन विच पेयर सेकेंड एटम इज लार्जर देन द फर्स्ट। किस पेयर में सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट? सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट। यहां फर्स्ट लार्ज है, गलत है। सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट, ये भी, ये छोटा हो गया, गलत है। सेकेंड एटम लार्ज है, हाँ यहां पे देखो, सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट, डी ऑप्शन। नाइट्रोजन से आगे सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट, डी ऑप्शन। समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड एटम लार्ज है देन द फर्स्ट आपके पास आ चुका है। ए इन विच पेयर सेकेंड एटम इज लार्ज देन द फर्स्ट, सोडियम और मैग्नीशियम। दैट इज बी ऑप्शन रॉन्ग है इसका, डी होगा। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाओ। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, एबीसीडी होगा। बहुत बढ़िया बेटा, क्या ही बात है, एबीसीडी लिख रहे हैं कई लोग। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो जो आयनिक रेडियस का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, यहां पे जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। तो आयनिक रेडियस क्या होगा, ध्यान देना। ये क्या होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, बेरिलियम। आयनिक रेडियस सोडियम, मैग्नीशियम, आ जाओ। Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम प्लस 3 में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां तक तो सही है। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये बात ठीक है, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज कम, जिसका चार्ज कम उसका साइज ज्यादा, इन तीनों में तो ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चार्ज ज्यादा साइज कम। ध्यान दीजिए क्या हुआ सर, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसमें क्या होने वाला है? चार्ज ज्यादा साइज कम, चार्ज ज्यादा साइज कम, थर्ड पीरियड ग्रेटर देन सेकंड पीरियड, एकदम मजा आया, गर्दा मचा दिया। अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आपके पास एक सेकंड नीचे आ जाओ, चलो ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं विच व्हाट इज द कॉमन बिटवीन, इन सब में कॉमन क्या है बच्चों, इन सब में कॉमन क्या है। शिवम कुछ तो लिख रहे हैं उर्दू में, बट मत लिखिए उसको, व्हाट तेलुगु है, तमिल, आई डोंट नो, कुछ भी होगा। अब ये देखो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन सब में सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अगर आपसे इसी में साइज पूछ लेता तो साइज ऑर्डर होगा एनायन सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल एंड देन केटायन। एनायन में भी चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, ये हो गया O-2 F-। केटाइन में आपके पास हो जाएगा चार्ज ज्यादा साइज कम Na+, फिर हो जाएगा आपके पास चार्ज ज्यादा साइज कम, और आपके स्क्रीन पे ये हो गया Na+Mg+2L+3। हुआ या नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से हो चुका है। आगे बढ़े बच्चों, जैसे ये हुआ आपके पास रेडियस भी हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में साइज का ऑर्डर बताना है, कौन सा सही ऑप्शन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में रेडियस का ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आ जाओ। तो ये देख लो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एनाइन सबसे ज्यादा होता है, एनाइन में भी चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, तो अगर मैं साइज की बात करता हूं तो क्या यही ऑर्डर आएगा। इसका मतलब देखो, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो देखो N-3 के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है, फिर इसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई और इसकी वैल्यू सबसे कम हो गई। क्या सी ऑप्शन चमक रहा है क्वेश्चन, क्या सी ऑप्शन चमक रहा है आपके पास, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो रेडियस के लिए वैल्यू आपको डिपिक करना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट कह रहा है द साइज ऑफ द फर्स्ट स्पेशी इज नॉट मोर देन सेकंड, ध्यान दो, कह रहा है साइज ऑफ फर्स्ट स्पेशी इज नॉट मोर देन सेकंड, कौन सा ऑप्शन है। साइज ऑफ फर्स्ट छोटा होना चाहिए और दूसरा बड़ा होना चाहिए, पहला छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, यही सही है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, ये गलत है। लिथियम और फ्लोरीन में पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, ये भी गलत है, पहला छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा होना चाहिए, ये भी गलत है, तो आंसर ए है। पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, क्या आंसर ए है। ऑल क्वेश्चन कवर होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑल क्वेश्चन कवर होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास ये होने वाला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, पूरे इंट्रोडक्शन कवर किया, Z इफेक्टिव कवर किया, एटॉमिक रेडियस कवर किया, अब हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे, इसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे, और फिर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, फिर जाएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड पे, तब पीरियोडिक टेबल कवर होगा। आ जाओ, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी में नीचे आ जाओ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ गैसियस एटम क्या होगा, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या आपके पास ए ऑप्शन हो चुका है, सब लोगों का आंसर ए हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एनर्जी एनसीईआरटी में दिया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एनर्जी एनसीईआरटी में दिया है, कौन सा एनर्जी है, क्या कैलोरी है, क्या किलो जूल है, या किलो जूल पर मोल है। बेटा जब भी इंथैल्पी वर्ड डिफाइन होता है ना, ये मोल के लिए डिफाइन होता है, तो इसीलिए आंसर यहां पे किलो जूल पर मोल, ये लॉजिक से भी दे सकते थे, बट अब आपको पता चल गया है कि किलो जूल पर मोल में चलता है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑलवेज आपके पास बच्चों क्या होने वाला है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब बच्चों आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है, एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ठीक हो गया है। जैसे ये हुआ बच्चों आगे आ जाओ, द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपसे बात की जाए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा ही होगा, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा ही होगा, बेटा तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट होने वाला है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हायर देन द फर्स्ट होने वाला है, क्लियर है, हमेशा हायर देन द फर्स्ट होने वाला है। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, हायर देन द फर्स्ट होने वाला है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या होगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखा जाए वो ज्यादा है, सेकंड वाला कम है, फर्स्ट वाला और कम है, यानी कि सी ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी यही होने वाला है, थर्ड का सबसे ज्यादा है, फिर टू का कम है, आई वन सबसे कम है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर के बाद। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो पीरियड में और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, थ्योरी पहले जान लो भाई। इधर क्या होता है, साइज कम होगा और नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा। अगर साइज कम है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, यानी कि यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन छूटेगा। समझ में आया? छोटा साइज है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन आएगा। साइज बड़ा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, यानी कि अट्रैक्शन कम है, तो यानी कि कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब यहां पे आ जाओ, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, सिंपली दिख रहा है इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। जैसे ये हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज करेगा। अब इस पे आ जाओ, कह रहा है Which of the following is the correct order of the first ionization enthalpy? अब ये कुछ एलिमेंट्स का पूछा है, मैं सारे का बनाता हूं। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, अब आ जाओ। देखो जो भी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। स्टेबल है तो एनर्जी नहीं देगा, मतलब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब ये फुलफिल्ड है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगी, ये हाफ फील्ड है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगी। जैसे अब देखो क्या हो जाएगा, लिथियम हो गया, फिर हो जाएगा बोरोन, फिर हो जाएगा बेरिलियम, फिर हो जाएगा आपके पास कार्बन, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। आपसे पूछा गया है बेरिलियम, तो देखो बेरिलियम बोरोन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ फुल फील्ड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। ये बात क्लियर है, समझ में आ चुका है, क्लियर है। अभय कुमार कह रहे हैं आज रात भर चलेगा सर। बच्चों पढ़ लो ना यार, अभी भी रात और दिन दिख रहा है क्या? अभी भी रात और दिन दिख रहा है क्या? 20 दिन बचा है, अभी भी रात और दिन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिखना चाहिए, सॉल्यूशन दिखना चाहिए, दिमाग में केवल यही सब चलते रहना चाहिए। साल भर हमने यही तो किया है बेटा सर, कि टाइम हो गया सर, छोड़ दो सर, है ना, क्लास का टाइम हो गया सर, आगे वाले क्लास में जाना है सर, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं सर, है ना। ये बहुत पेनफुल है यार लगाना ये, ठीक है। तो नो डे नो नाइट यार, आज रात भर पढ़े। हाँ भाई रात भर पढ़ते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है रात भर पढ़ने में, ठीक है। रात्रि पाठशाला करते हैं। आई एम इफ यू आर रेडी, एक बार बताओ आप लोग रेडी हो रात्रि पाठशाला करने के लिए? आप सब लोग रेडी हो? पांच बजे सुबह तक मैं पढ़ा दूंगा भाई, मैं से जिद मत करना, मैं जिद्दी आदमी हूं, मैं फिर खेल जाऊंगा बहुत तगड़ा, तुम नहीं रुकोगे मुझे पता है। तुम नहीं रुकोगे यार, 4 AM से रख लो। अच्छा ब्रेक दे दो, कुछ ब्रेक व्रेक नहीं है, पढ़ाई कर लो भाई। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों ले रहे हो भाई? हम भी बीच बीच में पानी पी ले रहे हो और आप भी बीच बीच में पानी पी लो, ठीक है ना। डिनर करना है, अरे भाई तो रोटी बगल में रखो, चबाते रहो, तुम्हें कौन सा बोलना है। मैंने लंच भी नहीं किया है आज, पता नहीं आज मतलब ऐसे बहुत लोगों से घिरा हुआ था तो याद ही नहीं आया लंच करने के लिए, ठीक है। तो जब क्लास ले रहा था तो मुझे लगा कि क्यों एनर्जी नहीं आ रही, तो मुझे याद आया कि लंच ही नहीं किया है। फिर मैं नीचे गया और चौक वो एक क्या बोलते हैं उसको, ओरियो शेक पी के आया, ठीक है। पढ़ा रहे, चलोगे? पढ़े, चैलेंज एक्सेप्टेड, बढ़िया है। आ जाओ, कह रहे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? जो स्टेबल होगा। अब इसमें से देखो स्टेबल कौन है, तो देखो ये भी हाफ फील्ड दिख रहा है, पी में 3 यानी कि हाफ फील्ड, पी में 3 यानी कि हाफ फील्ड। लेकिन देखो ये फोर्थ पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। छोटा साइज है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू फोर्थ पीरियड। नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डी ऑप्शन में लगेगा। अब यहां आ जाओ बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी डी ऑप्शन में लगेगा। अब इस पे आ जाओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले किया था लेकिन वापस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये किया था कि बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, बोरोन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन से ज्यादा। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ोसी से ज्यादा हो जाता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का, तो बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा। तो ए ऑप्शन सबको चमक रहा है, सबका ए आ रहा है। ए क्लियर है यहां तक? बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा, फिर कार्बन, फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सबका आ रहा होगा। हाँ या ना, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो कितना सही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक आयनाइजेशन एंथैल्पी है एक्स, बहुत अच्छा। फिर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 2x, फिर आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट आया 5x, फिर आयनाइजेशन एनर्जी आया 100x। अब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वाला क्वेश्चन कराया था, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वाला क्वेश्चन कराया था। तो मैंने बोला था अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हो तो जहां सबसे बड़ा गैप आ रहा हो वहां पे लाइन खींच लो। जहां पे सबसे बड़ा गैप आ रहा है वहां पे लाइन खींच लिया। अब इससे पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहे हैं, है ना? इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे 3 है। इससे पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं? 3 है। ये क्लियर है बात? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो आ जाओ बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 दिखाते हैं। तो एक है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। और उसके बाद x का मतलब हेलोजन है, x का मतलब हेलोजन है। जब क्रिस क्रॉस करोगे तो MX3 का प्रोडक्ट बनेगा, जब क्रिस क्रॉस करोगे तो MX3 का प्रोडक्ट बनेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे आपके पास सी ऑप्शन के बाद आगे बढ़ जाओ। द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, देखना सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर की बात हो रही है। सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17। देख लो, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन हाफ फील्ड होने की वजह से इसका ज्यादा हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब लेकिन आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि सर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा, इसने पूछा वैल्यू। तो सिलिकॉन की सबसे कम वैल्यू होगी, सिलिकॉन की सबसे कम वैल्यू होगी 780, 780, 780, बहुत बढ़िया। उसके बाद सल्फर की सेकंड नंबर की वैल्यू है। सल्फर जो कि सबसे लास्ट है, उस पे सेकंड नंबर की वैल्यू है, ये रहा सेकंड नंबर की वैल्यू है। फिर फास्फोरस थर्ड नंबर पे आएगा, यानी कि यहाँ पे ये थर्ड नंबर की वैल्यू है। और सबसे हाईएस्ट क्लोरीन का है, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा वैल्यू। तो क्या आपके पास सी ऑप्शन चमक रहा है? क्या आपके पास सी ऑप्शन चमक रहा है? एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यही करेक्ट ऑर्डर की वैल्यू है ना। आपने सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाला, फिर देखा कि इसके नीचे सबसे हाई वैल्यू होनी चाहिए और इसके नीचे सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए। यही है, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हो चुका है, आगे आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज, आ जाओ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, ओके, एंड कार्बन, कार्बन 7, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। आ जाओ, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। 1s2, 2s2, 2, 2, 4, 2, 6, कार्बन। नाइट्रोजन की बात करोगे 2, 2, 4 और 3, 7, 2p3। ऑक्सीजन की बात करोगे 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन की बात करोगे 1s2, 2s2, 2p5। अब कह रहा है, देखो कह रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आउटर शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। तो आउटर शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक हो गया। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है, यह बात क्लियर हो गया। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अब आ जाओ, कार्बन भी पार्शियली फील्ड है, नाइट्रोजन भी पार्शियली फील्ड है, फ्लोरीन भी पार्शियली फील्ड है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है। फिर देखो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का और फिर कार्बन का। क्या यही ऑर्डर है? ऑक्सीजन है, फिर लेफ्ट से राइट जाने पे ये तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि हाफ फील्ड है ना, पड़ोसी से भी ज्यादा हो गया। और बाद बाकी लेफ्ट से राइट जाने पे एनएच एनर्जी बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर आपके सामने फ्लो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड एनएच एनर्जी। ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है। यहां पे ओ नहीं है बेटे, 2 बार ओ हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। अच्छा, अब एक और है, नियॉन भी अगर आपको दे दिया गया, मान लो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन दे दिया गया, हाँ, तो आ जाओ कर लो। कार्बन छोड़ के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन दे दिया गया, तो नाइट्रोजन में बेटा 2p2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में बच्चे 2p3 हो जाएगा, फ्लोरीन में भाई या 2p4 हो जाएगा और नियॉन में भाई साहब 2p5 हो जाएगा। तो इस केस में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है, नियॉन वाले केस में ओ एफ 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 एफ, और फिर लेफ्ट से राइट जाओगे तो ओ हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर लेफ्ट से राइट जाओगे साइज आपका बढ़ेगा, तो आपके पास नियॉन, फिर आपके पास फ्लोरीन और फिर नाइट्रोजन। ये केस होना चाहिए इन केस ऑफ नियॉन। तो यहां पे रॉन्ग है, नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर ओ एफ एन दिया गया है ना, बी और सी आंसर होगा, बस ये चेंज कर लीजिए, बी और सी ऑप्शन होगा, बस ये चेंज कर लीजिए, ठीक है, बी और सी ऑप्शन सही होगा, बस ये चेंज कर लीजिए, ठीक हो गया। थैंक यू नीट वॉरियर, थैंक यू सो मच। आ जाइए, जैसे ये हुआ है नेक्स्ट आपके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, आप लोग पढ़ोगे और आप लोग बताओगे, ठीक है। चलिए संदीप, उतना करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। जैसे ये हुआ, आ जाओ सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहला मैं आपके साथ पढ़ता हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड साइज रिमेन अनइफेक्टेड ऑन जेड इफेक्टिव। ये गलत है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज जेड इफेक्टिव से अनइफेक्टेड नहीं रहेगा बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज डायरेक्ट, साइज भी आपके पास डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ लोअरिंग इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जैसे जैसे नीचे जाओगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, ये सही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। चलो, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ 5D सीरीज। हां, 5D सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, उम्मीद से ज्यादा इसमें लगती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट अफेक्ट द पीरियड सिन। नहीं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होने वाला है देख लो, ए और डी, ए और डी कहीं है, डी ऑप्शन। ए और डी अगर आपके सामने है तो डी ऑप्शन आ गया है। आगे बढ़ो, यहां पे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आ जाओ, एक बार पढ़ते हैं करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो बेटा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, हाफ फील्ड है ना, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, चलो हाफ फील्ड है तो नाइट्रोजन इज मोर देन आईपी ऑफ O, मतलब ए सही है। बी के बारे में बात करते हैं। बोरोन और कार्बन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2 की बात हो रही है, बोरोन और कार्बन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, 1s2 2s2 ये हो गया बोरोन, 1s2 2s2 2p1 ये हो गया बोरोन, बट एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ये बन गया। कार्बन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक हो गया। तो बोरोन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा सेकेंड एज कंपेयर टू कार्बन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन इज मोर देन कार्बन, ये भी सही है बेटा, क्यों, क्योंकि बोरोन का फुल फील्ड हो जाता है। IP2 ऑफ Na इज मोर देन IP1 ऑफ सोडियम, ध्यान देना। Na का क्या होता है आपके पास 1s, मतलब आपके पास हो जाएगा हीलियम, नियॉन 3s1, दिस इज सोडियम, राइट। IP2 कह रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब नियॉन हो गया। अब IP1 ऑफ नियॉन यानी कि नियॉन है, इसका IP1 कह रहा है, इसका IP2 में भी नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, IP1 में भी नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ध्यान देना सर, सोडियम में ज्यादा प्रोटॉन है, सोडियम में प्रोटॉन ज्यादा है, यहां 11 प्रोटॉन है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, वहां भी नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां भी नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि IP2 ऑफ सोडियम क्या हो गया नियोन, और IP1 ऑफ नियोन क्या हो गया नियोन। अब इन दोनों में नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इनमें किसका निकलेगा, जहां प्रोटॉन ज्यादा होगा। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की खींच के रखेगा, ज्यादा खींच के रखेगा, इसलिए आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपके पास C ये भी सही है। IP3 ऑफ कैल्सियम इज मोर देन IP ऑफ आर्गन, सेम। जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आर्गन हो जाएगा, और ये भी आर्गन है, तो देखने में लगेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी सेम है, बट चूंकि मोर Z इफेक्टिव है, चूंकि मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ABCD सारे ही सही है, ABCD सारे के सारे सही है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, ABCD सारे के सारे उसमें है। माइक पास में कर ले, अब ठीक है, माइक में आवाज आ रही है, अब ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आ जाओ, कैल्सियम और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेशियम 19, कैल्सियम 20 और फिर बैरियम की बात करते हैं 56। ठीक हो गया, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो गया आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो गया पोटेशियम। ठीक हो गया, एक हो गया आर्गन, एक हो गया पोटेशियम। अब ध्यान दो, इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी कि पोटेशियम का ज्यादा है, कैल्सियम का कम है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम का ज्यादा है, कैल्सियम का कम है, और बैरियम चूंकि साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। बैरियम चूंकि साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आपके पास एक और, ये रहा ए ऑप्शन आ चुका है। आ जाओ, कह रहा है कि सबसे ज्यादा जंप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में कहां पे आ रहा है। सबसे ज्यादा जंप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में कहां आ रहा है, यानी कि दो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान देना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 यानी कि कुछ नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 यानी कि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। अब ध्यान देना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दो सर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगा और थर्ड कम हो जाएगा, यही होगा। देखो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये निकल गया 2p6, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक हो गया, 2p5 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, यही आंसर है। देख लो आपके पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी गलत है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, गलत है, इनमें आंसर गलत दिया हुआ है। अब आ जाओ, इसका आंसर आओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो देखो सबसे ज्यादा तो नियोन का होगा, रीजन इनर्ट गैस है, इनर्ट का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। उसके बाद आप बताओ क्लोरीन, फास्फोरस, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक बार लिख लेते हैं, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ठीक है ना, ये कह रहा है नियोन। चलो आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। ठीक है ना, सोडियम फिर एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम क्योंकि फुलफिल्ड है, फिर सिलिकॉन फिर सल्फर फिर फास्फोरस क्योंकि हाफ फिल्ड है, फिर क्लोरीन और फिर आपके पास आर्गन। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है नियोन की बात, तो नियोन तो ऊपर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी। नियोन तो ऊपर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर आपके पास आने वाला है क्लोरीन और फिर फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं है, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन है नहीं। अब आ जाओ, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, तो मैग्नीशियम ज्यादा एल्युमिनियम कम है, मैग्नीशियम ज्यादा एल्युमिनियम कम है, बी ऑप्शन। ठीक हो गया, समझ में आ गया है, क्लियर नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, तो दिस इज द बी ऑप्शन में आपके पास आंसर आ चुका है। बी ऑप्शन में आपके पास क्या हो गया है बच्चों, आंसर आ गया है। अब ये आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल के आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन और फिर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आगे नीट के क्वेश्चंस। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कहता है कि when an electron is added to neutral gaseous atom to convert into negative ion, the enthalpy change. जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और आपके पास A- नेगेटिव आयन बनाया तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जो एंथैल्पी चेंज इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हो गया क्लियर? समझ में आ गया है? जैसे हुआ नेक्स्ट में आ जाओ. द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन बी. बेटा एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है एनर्जी. यानी कि वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. जनरली तो एक्सोथर्मिक ही होगा, जनरली तो एक्सोथर्मिक ही होगा. बट अगर आपके पास बच्चों हाफ फिल्ड है या फिर आपके पास फुल फिल्ड है, अगर आपके पास हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो एंडोथर्मिक हो जाएगा उस केस में. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर. बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर. नीचे आ जाओ. ग्रुप 17 वालों का वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ग्रुप 17 वाले एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं. बहुत ज्यादा एनर्जी कब निकलेगी? जब स्टेबल बनेगा. स्टेबल कैसे बनेगा? इनर्ट गैस बन रहा है. इस वजह से स्टेबल कैसे बन रहा है बेटा? वो इनर्ट गैस बन रहा है. दे अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन या फिर दे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. आ जाओ. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिकम्स मोर नेगेटिव विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज. जल्दी से बताइए. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर होता है या मोर नेगेटिव विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर होता है? जल्दी से बता दो. मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर या मोर नेगेटिव विद डिक्रीज. मोर जैसे जैसे अब देखो लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो बढ़ेगा. नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा. लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा. तो बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. हाँ बिकम्स. अगर मैं लेफ्ट से राइट की बात करता हूं बेटा, यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये पीरियड की बात हो रही है. लिखना पड़ेगा कि ये पीरियड की बात हो रही है. अगर आप लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा. पीरियड मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट गिवन आर सम एलिमेंट्स. कह रहा है कि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है. मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? क्लोरीन का. भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है. चलो नेक्स्ट. जैसे ये हुआ आगे बढ़ जाओ. एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, बिकम्स लेस नेगेटिव. लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है तो बिकम्स मोर नेगेटिव. नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, बिकम्स लेस नेगेटिव. जरा इधर आओ. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. ए ऑप्शन में दिया हुआ है. एकदम क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. जैसे ये हुआ एज वी गो डाउन द ग्रुप के बाद नेक्स्ट यहां पे आ जाओ. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होने वाला है? ध्यान दो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ाते हैं हम लोग कि थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड. रीजन, थर्ड पीरियड का साइज बड़ा है तो जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन नहीं होगा. सेकेंड पीरियड का साइज छोटा है, जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ह्यूज रिपल्सन होगा. ठीक हो गया? थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले. तो थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले. नेक्स्ट जैसे हुआ आगे बढ़ जाओ कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं ग्रुप 17 का एफिनिटी ग्रुप 16 से हमेशा ज्यादा होता है. ग्रुप 17 वालों की एफिनिटी ग्रुप 16 से हमेशा ज्यादा होता है. अब देखो यहां पर कह रहा है ये तो गलत है. सेकंड पीरियड की एफिनिटी थर्ड पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकती. हाँ, थर्ड पीरियड की एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा है, थर्ड पीरियड की एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा है. डी ऑप्शन आ जाएगा. थर्ड पीरियड की एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होने वाली है. बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. थर्ड पीरियड की एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा है. अब जैसे यहां पर आ जाओ ClFSO, तो ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन. हम ये पढ़ते हैं कि ग्रुप 17 की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16. ग्रुप 17 की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16, ये हमने पढ़ा है। इसमें भी थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। लेफ्ट वाले में भी थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। तो CLFSO, दिस इज द आंसर। 17 के हर एलिमेंट की एफिनिटी 16 के हर एलिमेंट से ज्यादा होती है। फिर से ध्यान देना, 17 के हर एलिमेंट की एफिनिटी 16 के हर एलिमेंट से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? इसमें बी एन सी पिछले का, बोथ बी एन सी, ठीक है ना? इसका आंसर बोथ बी एन सी आएगा, करेक्शन है, करेक्शन है। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने की बात हो रही है और यहां पे होगा एक आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एक्स, एक्स का मतलब एक्स से एक्स माइनस बन रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एक्स से एक्स माइनस बन रहा है तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्स रिलीज हुआ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स प्लस होगा, एक्स माइनस होगा तभी तो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस के बराबर होगा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन डालने में एक्स माइनस बन रहा है, एक्स माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो एक्स बनेगा। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही एनर्जी यहां पे गेन होगा। तो आप देखोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन डाल के एक्स माइनस बन रहा है, इसमें जो एनर्जी है वो रिवर्स प्रोसेस की एनर्जी के बराबर होगा। रिवर्स प्रोसेस की एनर्जी का एक्स माइनस एक्स कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यही हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस। खूबसूरत सवाल है, सोचने वाला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if ionization energy is इतना? ध्यान देना, कह रहा है कि Na से Na plus बनाने के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। Na से Na plus बनाने के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, ठीक हो गया। I1 ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na plus। Na plus में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Na बनाओगे। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? अरे भाई, तो जब एंडोथर्मिक में 5.1 है, इसमें एक्सोथर्मिक होगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिवर्स। भाई एंडोथर्मिक में 5.1 है तो एक्सोथर्मिक में -5.1 हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन -5.1। जैसे हुआ, अब आगे बढ़ो, यहां जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na प्लस, ये हो चुका। नेक्स्ट, हां, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना। अब इस टाइप के सवाल देखो कैसे करोगे। तो मैं सबसे आसान होता है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 यानी कि ये क्लोरीन है। 2, 2, 4, 5, 9 यानी कि ये फ्लोरीन है। 2, 2, 4, 3, 7 यानी कि ये क्या है? नाइट्रोजन है। 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11 क्या है? सोडियम है बच्चों। ठीक हो गया, एकदम क्लियर है, नो डाउट। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा 1 का होने वाला है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा 1 का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तो देख लो, ग्रुप 17 की एफिनिटी सबसे ज्यादा हो गई, तो फिर फ्लोरीन हो गया, ठीक हो गया ना? क्लोरीन के बाद फिर आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, एफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो थर्ड। फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि सेकेंड। 1, 3 देयर इज सम मिस्टेक, 1, 2, 3। देखो, जब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है, आ जाओ बता देता हूं कैसे। फ्लोरीन और क्लोरीन यहां आ गया, नाइट्रोजन कहीं यहां है और सोडियम कहीं यहां है, पीरियोडिक टेबल के अनुसार से। तो देखो, सबसे ज्यादा एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों की होगी। ओके, थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी एंड देन सोडियम की एफिनिटी होगी, ठीक है। फिर सेकेंड पीरियड की एफिनिटी आएगी, उसमें भी फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब देखो, क्लोरीन क्या है? 1 की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सोडियम क्या है? 4th में है। फ्लोरीन कहां है? 3rd में है। और नाइट्रोजन कहां है बेटा? 2nd में है। अब जरा देखो ये कौन सा आंसर है। 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4 और 3 में, यहां पे बस उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है। 4 और 3 में, लेट मी थिंक वंस मोर। 4 और 3 में सोडियम का तो कैसे ही ज्यादा होगा, सोडियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ही लेगा इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अब देखो, सोडियम क्या है, मेटल है। अब मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है ना। तो सोडियम का कम हो जाएगा, सोडियम का कम हो जाएगा इन दोनों में, इन दोनों में। तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, देन फ्लोरीन, देन सोडियम एंड देन नाइट्रोजन सबसे कम, ठीक है ना, देन नाइट्रोजन सबसे कम। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। डेटाबेस क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। चलिए, जब आपके पास ये हुआ, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कहां पे, आपके पास दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आ जाओ, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, टॉप से बॉटम कम होता है, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9, ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नेक्स्ट कह रहा है अमोंग एलिमेंट्स लिथियम सोडियम पोटेशियम, नीचे जाने पे एफिनिटी कम होगा, नीचे जाने पे एफिनिटी कम होगा, तो आपके पास सी ऑप्शन, नीचे जाने पे एफिनिटी कम होगा, आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक, सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फ्लोरीन हैज द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, हाँ ये भी सही है भाई, नॉन मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मेटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो सारी स्टेटमेंट बच्चों आपके पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किस क्या होगा इसमें, तो देख लो हम बता देते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो भाई नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नेगेटिविटी ज्यादा होगा, उसमें भी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें भी सल्फर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो देख लो ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन फिर सल्फर देन फास्फोरस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन देन सल्फर देन फास्फोरस, बी ऑप्शन, ठीक है। पोल नहीं होता, नहीं बेटा पोल नहीं होता यहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। चलिए लास्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, लास्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड करते हैं एक बार। सीओ एनओ और N2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, सीओ एनओ और N2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। बैरियम मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। जब इनको आप मैच करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक हो गया। जब इनको आप मैच करोगे तो आंसर सी दिख जाएगा आपके पास, देख लो सी ऑप्शन ये आंसर है। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहां पे, कह रहा है कि द बेसिक कैरेक्टर, बेसिक, तो जो बेसिक कैरेक्टर है बच्चों आपके पास ये इस तरह से आ रहा है, देख लो सबसे नीचे है सबसे ज्यादा बेसिक, नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर होगा, तो सबसे नीचे सबसे ज्यादा बेसिक है। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो स्ट्रॉन्सियम मिल जाएगा, एसआरओ। फिर मेटल की सबसे ज्यादा होगी यानी कि मैग्नीशियम की। निकल चुकी डी ब्लॉक का है, अगेन दिस इज मेटल बट एस ब्लॉक मेटल से कम होगा और सबसे कम हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है। नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और ये कम होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये डी ऑप्शन ही। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 वाला है यानी कि +1 है, ऑक्सीजन है -2 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो X2O बनेगा, तो आपके सामने X2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड के कुछ क्वेश्चन है बेटा। एम्फोटेरिक कौन है, तो एम्फोटेरिक आपके सामने ये वाले हैं सारे, ए ऑप्शन। एम्फोटेरिक कौन है, तो ये आपके सामने बैठे ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हो गया है, लगभग 12 बजने वाला है, ठीक है। तो अब अपनी क्लास को हम रखेंगे यहीं पे एंड। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, और हुआ एक ही चैप्टर, तो एक चैप्टर और बच गया 11th इनऑर्गेनिक में, एक ही चैप्टर और है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो वो जो एक चैप्टर है वो मैं अब आपको कहीं ना कहीं शेड्यूल करूंगा, क्योंकि एनर्जी मेरी भी ड्रेन हो चुकी है, तो इसके आगे एक बड़ा सा चैप्टर वो मैं ऐसे निपटाना नहीं चाह रहा, तो मैं अब आपको अगले एक शेड्यूल लगवाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास, और उस एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम आपको केमिकल बॉन्डिंग भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं 10, 20, 30, ठीक, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो अब 12 नहीं बजे, कोई बात नहीं, तो अब हो गया है, इतना ही रखते हैं। बेटे आप सब लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते यार, तुम अपने गुरुजनों को सपोर्ट नहीं करते, मुझे जो लग रहा है तुम सपोर्ट कर दिया करो यार। ठीक है चलो, अब आपसे मिलते हैं, 3 घंटे का सेशन लगभग हो गया है, 9 से 12 फिर करते हैं। अब कल एक और 9 से 12 को करना पड़ेगा, या 12 से 3 करना पड़ेगा, या रिकॉर्ड करके डाल देंगे, जो भी है टाइम स्लॉट का हम करेंगे आपके साथ। ठीक है चलो, और मेहनत कर रहे हो आप लोग, मेहनत करते रहना। मैं एक चीज़ और बता दूं आपके पास कि लाइफ बड़े अप्स एंड डाउन्स दिखाएगी, मेहनत मत छोड़ना। लाइफ बहुत उल्टे सीधे मोड़ दिखाएगी, मेहनत मत छोड़ना, अपने आप पे भरोसा रखना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और, ये ज़िंदगी इतनी कीमती है ना, ये ज़िंदगी इतनी कीमती है कि जो आजकल जो आपके दिमाग में थॉट आता है ना, ये ज़िंदगी इतनी कीमती है ना कि एक पेपर डिसाइड नहीं कर पाता कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आज धोनी है। सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रांग नहीं है, बट आज सचिन तेंदुलकर है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर जाओगे, है ना। अगर कोई भी लाइफ में 10 साल बाद, 5 साल बाद लगे कि मैं सर मेरे को जॉब में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, पैसे में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, हमें बताना, हम सब लोग जरूर मेहनत करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे आपके लिए। अब क्या हो रहा है कि गला फंस रहा है, तो मैं ले रहा हूँ आपसे अलविदा। अब आपसे मिलूंगा अगले सेशन में, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद। अगर आपने वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय।